राम राज्य साकार होठे, राम राज्य साकार होठे, राम राज्य साकार होठे। कलयुग सतयुग बन जाए, राम राज्य साकार होठे, कलयुग सतयुग बन जाए। ऐसी कृपा दृष्टि कर दो प्रभु, ऐसी कृपा दृष्टि कर दो प्रभु। स्वर्ग धरा पर आ जाए, राम राज्य साकार होठे, राम राज्य साकार उजियारा। जनमानस में ज्ञान सूर्य का फैले ऐसा उजियारा। विकसित हो विश्वास सरों में, श्रद्धा सुमनों की माला। विकसित हो दैविक भवतापों से, दैहिक दैविक भवतापों से सब मानव मुक्ति पाए। राम राज्य साकार होठे, राम राज्य साकार होठे। मचल उठे भाईचारा, गाँव गाँव की गली गली में मचल उठे भाईचारा। नगर नगर की डगर डगर में गूंजे एकता का नारा। शांति का उमड़ घुमड़ बादल शांति का नभमंडल में छा जाए। राम राज्य साकार होठे, राम राज्य साकार होठे। जाए भय ऊंच नीच का और विषमता की खाई, मिट जाए भय ऊंच नीच का और विषमता की खाई। अखिल विश्व बंधुत्व भाव की बाजे घर घर शहनाई, अखिल विश्व बंधुत्व भाव की बाजे घर घर शहनाई। करुणा की मुक्तामणियों से, करुणा की मुक्तामणियों से हृदय सिंधु उफ ना जाए, राम राज्य साकार हो, राम राज्य साकार हो। मंद चल उठे पुरवाई, सत्संगति समीर की शीतल मंद चल उठे पुरवाई। चार पदार्थ मकरंद गंध से झूम उठे मन अमराई, पदारथ मकरंद गंध से झूम उठे मन अमराई। श्रुति कोकिल कंठों से फूटे, श्रुति कोकिल कंठों से फूटे भजनों की स्वर धाराएं, राम राज्य साकार हो, राम राज्य साकार हो। कलयुग सतयुग बन जाए, ऐसी कृपा दृष्टि कर दो प्रभु, ऐसी कृपा दृष्टि कर दो प्रभु। स्वर्ग धरा पर आ जाए, राम राज्य साकार हो, राम राज्य साकार हो, राम राज्य साकार हो। राम राज्य हो, राम राज्य हो, राम राज्य साकार। ध्याये नित्यं महेशं रजतगिरिनिभं चारुचन्द्रावतंसं रत्नाकल्पोज्ज्वलाङ्गं परशुमृगवराभीतिहस्तं प्रसन्नं पद्मासीनं समन्तास्तुतममरगणैर्व्याघ्रकृतिं वसानं विश्वाद्यं विश्ववन्द्यं निखिलभयहरं पञ्चवक्त्रं त्रिनेत्रम्। तिर्विजूयतां देवानागुरातिरभिनो निवर्ततां देवानागुसख्यमुपसेदिमा वयं देवान आयुः प्रतिरन्तु जीवसे तान् पूर्वयानि विदाहुमहे वयं भगमित्रमदितिन्दक्षमश्रिधम् अर्चमणं वरुणगुं सोममश्विना सरस्वती नः सुभगा मयस्करत् तन्नो वातो मयो भुवातु भेखजं तन्माता पृथिवी तत्पिता द्यौः तद्रावाणः सोमसुतो मयो भुवस्तदश्विना श्रीरुतं धृष्ट्या ध्रुवम् तमीशानं जगतस्तस्थु खस्पतिं धियं जिन्वमवसे ऊमहे वयम् ऊखानो जथा वेदसामसद्विधे रक्षिता पायुरदब्धः स्वस्तये स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूखा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु पृथदश्वामरुतः पृष्णीमातरः शुभं जावानो विदधे कुजग्मयः अग्निजिह्वामनवः सूरचक्षसो विश्वेनो देवा अवसागमन्निव भद्रकर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्रा। No more. सुरो यतः सम्मतिं देहि मे ब्रह्मवते ब्रह्मसमीडिते उक्तं भासि मुखश्रुत्या त्वं ब्रह्म परमेत्यपि नित्यं शुद्धं बुद्धं अनंतं प्रणवाख्यं वंदे रामं अवशेषासुरधावं त्वं मे नाथो नाथित कार्याखिलकारी मानातीतो माधवरूपोऽखिलधारी मानातीतो माधवरूपोऽखिलधारी। जो नित्य शुद्ध बुद्ध व अनंत है, जो संपूर्ण विश्व को धारण कर लेने वाले हैं, भक्ति से प्राप्य अपने स्वरूप का ध्यान किए जाने पर संसार के समस्त भय का नाश कर देने वाले प्रभु, आप इस लोक परंपरा के आदि और अंत हैं। हे अखिल विश्व के विश्वेश्वर, आप लौकिक प्रमाणों के द्वारा जाने नहीं जा सकते हैं। श्रद्धा भक्ति से परिपूर्ण भक्त ज्ञान के द्वारा आपको जानते हैं, आप ज्ञान के द्वारा जानने योग्य हैं। हे लक्ष्मीपति, आप समस्त प्रमाणों से परे सर्वथा निर्वाण हैं। माया में आसक्त कौन प्राणी आपको जानने में सामर्थ्यवान हो सकता है? महर्षियों में अग्रगण्य नील वर्ण के समान श्याम सुंदर प्रभु श्री राम जी के चरणों में हम बारंबार नमन अर्पित करते हैं, बारंबार वंदन अर्पित करते हैं। प्रभु श्री राम जी के गुण अनंत हैं, प्रभु श्री राम जी का चरित्र, उनकी महिमा अनंत है। प्रभु श्री राम जी रामायण के एक पात्र भर नहीं हैं। प्रभु श्री राम जी के ऐसे व्यक्तित्व हैं जिन्होंने समाज के समक्ष एक उच्च आदर्श को रखा। जीना कैसे चाहिए, जिंदगी क्या होती है, मर्यादा में कैसे रहना है और धर्म की रक्षा कर्म के द्वारा कैसे की जाती है, इसकी सीख हमें प्रभु श्री राम सिखा कर गए हैं। एक मानव के भीतर में जितनी भी मानवीय गुणों की कल्पनाएं की जाती है ना, वो सारी की सारी राम कथा के महानायक प्रभु श्री राम में गुथी हुई हैं। सज्जनों, प्रभु श्री राम मात्र पूजे जाने के लिए नहीं है, अपितु उनकी सच्ची आराधना, उनकी सच्ची पूजा तो उनके गुणों को धारण कर लेने में है, उनके गुणों को अनुसरण कर लेने में है। प्रभु श्री राम जी भारतीय संस्कृति की पहचान हैं। प्रभु श्री राम जी सत्य सनातन धर्म की पहचान हैं और हिंदू एकता और अखंडता के प्रतीक हैं प्रभु श्री राम जी। लेकिन कुछ लोगों ने ही अन्य विचारधारा वाले लोगों के साथ मिलकर प्रभु श्री राम जी को एक राजनीति का साधन बना दिया है। अपनी सांस्कृतिक मूल्यों को भूलकर वो प्रभु श्री राम जी के अस्तित्व पर प्रश्न उठाते हैं, प्रभु श्री राम जी के अस्तित्व पर आक्षेप लगाते हैं। प्रभु श्री राम दो अक्षर का नाम भर नहीं है, प्रभु श्री राम तो कण कण में रमण करने वाली शक्ति है, हर जीव के भीतर में रहने वाले प्राण हैं प्रभु श्री राम। और यदि प्राण निकल जाए तो देह का कोई अस्तित्व नहीं रहता। इसी प्रकार से यदि प्रभु श्री राम नहीं है तो जीवन नहीं है, जीवन मरा है। आप राम शब्द को उलट कर देखें तो क्या बनता है? म अ र अर्थात मार। मार बौद्ध धर्म का एक शब्द है जिसका अर्थ होता है विषय विकारों में रत रहने वाला, और दूसरा अर्थ होता है आंधी तूफान। हमारे महापुरुष कहते हैं जो अपने जीवन में राम से विमुख हो जाते हैं और विषय विकारों में रत रहते हैं, उनको मार अर्थात आंधी वैसे ही गिरा देती है जैसे सूखे वृक्षों को आंधी गिराती है। प्रभु श्री राम जी तो भारतीय संस्कृति के आधार स्तंभ हैं, और प्रभु श्री राम जी का चरित्र, उनकी महिमा, उनके गुण हमारी संस्कृति में रचे बसे हैं। यही कारण तो है युगों से लेकर आज तक और युगों तक लोग उनसे मार्ग लेते रहेंगे, वो सब समस्त संसार का मार्गदर्शन करते रहेंगे। प्रभु श्री राम जी के नाम की ओर दृष्टिपात हम करें तो अगर हम ध्यान पूर्वक देखें तो प्रभु श्री राम जी का नाम अभिवादन का पर्यायवाची है। हिमालय से लेकर कन्याकुमारी तक ही नहीं अपितु सुदूर पूर्व देशों में भी प्रभु श्री राम जी की कथा, उनका चरित्र और रामायण श्रद्धा के केंद्र हैं। और भारत में तो आपको हर कोने में, हर जगह पर प्रभु श्री राम जी का दर्शन हो जाएगा। भले ही रंग, रूप, वेश, भाषा, भूषा सब कुछ भिन्न होते हुए भी प्रभु श्री राम जी हमारे जीवनचर्या में समाये हुए हैं। हमारे नाम भिन्न भिन्न होते हुए भी प्रभु श्री राम जी कहीं भी लुप्त नहीं हैं। यदि पंजाब में राम सिंह हैं तो बिहार में रामधारी, यदि गुजरात में राम प्रसाद हैं तो उड़ीसा में राम शरण, बंगाल में रामदत्त हैं तो राजस्थान में राम प्रताप, आंध्र में रामाराव है तो केरल में रामास्वामी। देखिए ना, भिन्न भिन्न कल्चर है, भिन्न भिन्न नाम है, लेकिन इतनी सब भिन्नता होने के बावजूद भी एक अभिन्न तत्व सभी में समान रूप से समाया है। और वो कौन सा तत्व है? वो प्रभु श्री राम है। यदि आप एक पत्र पर रामपुर या रामनगर लिखकर डाल दें तो डाक विभाग भी भ्रमित हो जाएगा, क्योंकि भारत में अनंत रामपुर हैं, अनंत रामनगर हैं। कहाँ कहाँ नहीं हम प्रभु श्री राम जी को खोज सकते। प्रभु श्री राम तो भारत ही नहीं संपूर्ण विश्व में समाये हैं। मुझे याद है एक बार महात्मा गांधी जी ने कहा था, आप मुझसे सब कुछ ले लो, मैं जीवित रह सकता हूँ, लेकिन यदि मुझसे मेरे राम दूर हो गए तो मैं जीवित नहीं रह सकता। मेरे राम के साथ ही मेरा अस्तित्व है। उन्होंने कहा था प्रभु श्री राम, प्रभु श्री राम जी का चरित्र, प्रभु श्री राम जी की कथा, ये रामायण हिंदू संस्कृति के आदर्श हैं, और जब तक ये रहेंगे तब तक संपूर्ण भारत ही नहीं संपूर्ण विश्व प्रभु श्री राम जी से प्रेरणा लेता रहेगा, संपूर्ण विश्व उनसे प्रेरणा लेता रहेगा। और ये सच है, मात्र भारत ही नहीं संपूर्ण विश्व के कण कण में प्रभु श्री राम विद्यमान हैं। यदि हम भारत से बाहर की बात करें तो आप जानकर हैरान होंगे कि थाई धर्म ग्रंथ का नाम है रामकीन। थाई हिंदू संस्कृति और साहित्य में प्रभु श्री राम जी के साथ उनका बड़ा गहरा जुड़ाव है, बड़ा गहरा संपर्क है। कहते हैं कि थाईलैंड में राजा को राम कहा जाता है। इतना ही नहीं, थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक के सबसे बड़े हॉल का नाम है रामायण हॉल। और इससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग फैक्ट यह है कि थाईलैंड का जो राष्ट्रीय ग्रंथ है, क्या आप जानते हैं उसका नाम क्या है? उसका नाम है रामायण। हमारे विश्व के कण कण में प्रभु श्री राम विद्यमान हैं। यदि हम इंडोनेशिया की बात करें तो जहां अयोध्या की भूमि के नाम से प्रभु श्री राम जी की जन्मभूमि है, वहीं पर इंडोनेशिया को योग्य के नाम से वहां जाना जाता है। और वहां पर प्रभु श्री राम जी की कथा को ककनिन रामायण या काकाविन रामायण के नाम से जाना जाता है। यूं तो कहते हैं कि इंडोनेशिया में हिंदुओं की जो जनसंख्या है वो लगभग 2% है, लेकिन इंडोनेशिया पर और वहां के लोगों पर, वहां की संस्कृति पर प्रभु श्री राम जी का गहरा प्रभाव है, एक गहरा जुड़ाव है। कहते हैं कामिल बहुत अच्छी एक बात लिखते हैं। कहते एक बार उनके मित्र एक जावा के किसी ग्रामीण क्षेत्र में भ्रमण कर रहे थे और उन्होंने देखा कि एक व्यक्ति जो हैं, एक शिक्षक, वो रामायण पढ़ रहे हैं। तो वो उनके पास पहुंच गए, जाकर कहने लगे, अरे मित्र, आप तो हिंदू भी नहीं हैं और आप रामायण पढ़ रहे हैं, ऐसा कैसे? तो कहते उस व्यक्ति ने कहा था, मैं एक अच्छा इंसान बनने के लिए रामायण पढ़ता हूं, क्योंकि रामायण बेहतरीन मानवों का जन्म करती है, बेहतरीन मानवों को बनाती है, इसलिए मैं रामायण पढ़ता हूं। और यदि हम नेपाल का भ्रमण करें तो नेपाल में नेपाली रामायण या भानुभक्त रामायण के नाम से जाना जाता है, जिसे लोग अपना आदि रामायण या आदि ग्रंथ कहते हैं। यदि हम बर्मा की बात करें तो बर्मा में प्रभु श्री राम जी की कथा की 16 रचनाओं का वर्णन आता है, और जिसमें रामवत्थु प्राचीन गद्य कृति है। और जापान के सबसे उत्तम नाटक में से बुत्सु शू में प्रभु श्री राम जी की कथा का संक्षिप्त वर्णन मिलता है। प्रभु श्री राम हर कण में विद्यमान है, हर जगह लोग उन्हें मानते हैं, उन्हें प्रेम करते हैं, उनसे अपने जीवन चरित्र को धारण कर सीखना चाहते हैं। क्या आपने एक बात पर गौर किया? कहानियां अलग अलग हैं, भाषाएं अलग अलग हैं, रीतियां अलग अलग हैं, लेकिन इतना सब कुछ होने के बावजूद भी वो प्रभु श्री राम, वो नायक एक हैं, जो हर कण की धड़कन है, जो विश्व के कण कण में रमण करने वाली शक्ति है। मैं आपसे जानना चाहती हूं, वो कल्पना कैसे हो सकते हैं? प्रभु श्री राम कल्पना नहीं है। बहुत सारे लोगों के मन में विचार आता है कि प्रभु श्री राम जी की कथा को तो भारत के किसी कवि ने अपने मन से रचा है, ये तो किसी कवि की इमेजिनेशन है, या भारत का अंधविश्वास, प्रभु श्री राम जी को भारत ने पैदा किया है। मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगी, प्रभु श्री राम जी को भारत ने पैदा नहीं किया है, बल्कि भारत और संपूर्ण विश्व का अस्तित्व प्रभु श्री राम जी से है। प्रभु श्री राम भारत की आत्मा है, प्रभु श्री राम भारत के प्राण हैं, और यदि प्राण निकल जाएं तो देह का कोई अस्तित्व नहीं रहता। इसी प्रकार से यदि संपूर्ण विश्व में से प्रभु श्री राम निकल जाएं तो उसका कोई अस्तित्व नहीं है। और दूसरी बात, प्रभु श्री राम यदि कल्पना होते तो क्या वो हर दिल की धड़कन बन जाते? क्या वो हर हृदय में घर कर जाते? हमने अपने जीवन में कितने काल्पनिक कहानियों को पढ़ा है, क्या हम उन्हें अपने हृदय में स्थान दे पाए? नहीं दे पाए, क्योंकि कल्पना को ज्यादा देर तक कल्पना में रखा नहीं जा सकता है। एक कल्पना मिटती है तो दूसरी कल्पना जन्म ले लेती है, लेकिन यथार्थ यथार्थ रहता है, उसको बदला नहीं जा सकता, भले हम उसे स्वीकार करें चाहे ना करें। प्रभु श्री राम यथार्थ हैं सज्जनों, प्रभु श्री राम यथार्थ हैं, वो कल्पना हो ही नहीं सकते हैं। लेकिन यदि कोई व्यक्ति कल्पना के आधार पर भी प्रभु श्री राम जी के चरित्र को एक बार पढ़ ले तो मेरा ये दावा है प्रभु श्री राम उसके जीवन में यथार्थ बनकर ना उतर गए तो कहिएगा वो यथार्थ बनकर जीवन में आ जाएंगे। ऐसा चरित्र है प्रभु श्री राम जी का, ऐसा चरित्र है मेरे प्रभु का। इसीलिए तो गोस्वामी तुलसीदास जी और तुलसी जी बहुत सुंदर बात कहते हैं। उन्होंने कहा जैसे भी हो एक बार मेरे राम को भजकर देख लीजिए। उन्होंने एक बड़ी सुंदर उदाहरण दी। उन्होंने कहा आप भूमि में एक बीज डालते हो, उल्टा डाल दो या सीधा डाल दो वो अंकुरित होगा ही होगा। इसी प्रकार से तुलसी मेरे राम को रीज भजो या खीज, भौम पड़ा जामे सभी उल्टा सीधा बीज। उन्होंने कहा एक बार मेरे प्रभु को किसी भी भाव से भजकर देख लो, किसी भी भाव से पढ़कर देख लो, चाहे उन्हें कल्पना के आधार पर चाहे कहानी के आधार पर पढ़कर देख लीजिए, आपका जीवन चरित्र बदल जाएगा। एक बार प्रभु श्री राम को खोज कर तो देखिए, एक बार जिज्ञासु बनकर खोजी बनकर प्रभु श्री राम जी के चरित्र की गहराई में जाकर देखिए, प्रभु श्री राम आपके अंतस में प्रकट हो जाएंगे। और जिस समय हमारे जीवन में क्षत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु का आगमन होगा, एक क्षत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु का पदार्पण होगा, तो वो प्रभु श्री राम जी की बातें नहीं करेगा, वो ऐसे दिव्य चक्षु को प्रदान कर देंगे, वो हमारे कपाट खोल देंगे और तब हम अपने भीतर में उस ईश्वर राम ब्रह्म राम का दर्शन करेंगे। और जिस समय हम अपने अंतस में प्रभु श्री राम को देख लेंगे, उस दिन हमारे समस्त समस्याओं का समाधान हो जाएगा। फिर हम कभी यह नहीं कहेंगे कि प्रभु श्री राम कल्पना है या यथार्थ है, फिर हम यही कहेंगे कि प्रभु श्री राम कल्पना नहीं, वो यथार्थ है। जब अपने अंतस में गुरु की कृपा से राम को देख लेंगे, और कितने प्रमाण दे प्रभु श्री राम जी के सच होने के। मुझे याद आ रहे हैं कमलेश शर्मा जी की लिखी हुई कुछ पंक्तियां। उन्होंने बहुत सुंदर कहा, उन्होंने कहा भारत का कण कण साक्षी है, जीवन का क्षण क्षण साक्षी है, तपस्थली जो ऋषि मुनियों की कुटियों का तृण तृण साक्षी है, धरती और अनंत व्योम में राम बसे हैं रोम रोम में, चंद सरफिरों को समझाने क्या हम अपने प्राण दें, राम हुए हैं कितने और प्रमाण दें, राम हुए हैं कितने और प्रमाण दें। सरयू की निर्मल जलधारा, कौशल का प्रदेश अति प्यारा, पतित पावनी गंगा का तट और प्रयाग का वह अक्षय बट, चित्रकूट मंडल का कण कण और सारा पावक दंडक वन, रामेश्वर जहाँ रहे पापना, जहाँ हुई शिवलिंग स्थापना, जहाँ शांत रत्नागर रहता, सेतु बंद गाथा को कहता, नहीं सुनामी लहरे लाता, दिया राम को वचन निभाता, वह सागर तट साक्षी रण का, यानी युद्ध राम रावण का, समय के थपेड़ों के मारे ये भौतिक प्रमाण है सारे, जिससे मारा था रावण को क्या लाकर वे धनुबाण दें, राम हुए हैं कितने और प्रमाण दें, राम हुए हैं कितने और प्रमाण दें। राम बसे निषाद के मन में, केवट के पद प्रक्षालन में, राम मिलेंगे भील घरों में या जटायु के कटे परों में, साधु अस्थियों के ढेरों में, शबरी के जूठे बेरों में, राम मिलेंगे जहाँ चाह है, ऋष्यमूक पर्वत गवाह है, राम बिराजे हैं घर घर में, राम सेतु के हर पत्थर में, जिसके बल दिन कटे भरत के क्या लाकर वे पद त्राण दें, राम हुए हैं कितने और प्रमाण दें, राम हुए हैं कितने और प्रमाण दें। राम कथा जन जन में व्यापी, केवल वंचित हैं कुछ पापी, कहते हैं कि केवल कुछ लोग ही वंचित हैं। कौन? राम कथा जन जन में व्यापी, केवल वंचित है कुछ पापी, जिनके ज्ञान चक्षु फूटे हैं, उनको राम लगते झूठे हैं, झुठलाते राम के मर्म को, घायल वह कर रहे धर्म को, आस्था के प्रति निर्मोही हैं, सबके सब हरिहर द्रोही हैं, जो करते राम की निंदा हैं, वो कैसे अभी तक जिंदा हैं। ऐसे राम द्रोहियों को पढ़ने अब गरुड़ पुराण दें, राम हुए हैं कितने और प्रमाण दें, राम हुए हैं कितने और प्रमाण। कमलेश शर्मा जी ने बड़ी अच्छी पंक्तियां लिखी हैं। उन्होंने कहा कितने प्रमाण दें प्रभु श्री राम जी के होने। भक्तों ने प्रमाण नहीं दिए, उन्होंने कहा जानी जानी रे राजा राम की कहानी। कबीर कहते हैं मैंने राम को माना नहीं, मैंने राम को जान लिया अपने तत्व में, मैंने प्रभु श्री राम जी को देख लिया, और जब देख लिया तो सारी समस्याओं का समाधान हो गया। इसीलिए जब भक्त अपने भीतर में प्रभु को देख लेता है गुरु की कृपा से, फिर वो यही कहता है राम है तो विश्व है, राम बिना सब अदृश्य है, राम है तो संस्कृति है, राम नहीं तो विकृति है, राम स्वार्थ नहीं परमार्थ है, आलस्य नहीं पुरुषार्थ है, श्री राम कल्पना नहीं यथार्थ है, श्री राम कल्पना नहीं यथार्थ है, राम सत्य हैं, राम नित्य हैं, रामो सत्य रामो नित्य। फिर एक भक्त इन्हीं भावों को व्यक्त करता है। आइए हम भी एक भजन के माध्यम से सुनते हैं। आइए। स्वार्थ नहीं परमार्थ, राम राम राम, कल्पना नहीं यथार्थ, राम राम राम, संस्कृति संस्कार राम 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 राम, कण कण आधार राम राम, संसार राम, कण कण आधार राम, कण कण आधार राम, सत्य रामो नित्य रामो, सत्य रामो नित्य रामो, साकार है, सत्य रामो नित्य रामो, सत्य रामो नित्य रामो। संघर्ष प्रजानां चहिते रतः, यशस्वी ज्ञान संपन्नः, शुचिवशः समाधिमान्, धर्मज्ञः सत्य संघर्ष प्रजानां चहिते रतः, यशस्वी ज्ञान संपन्नः, शुचिवशः समाधिमान्, सत्य लेखक हुए हैं कैनल डोयल, वो लिखते हैं कि ये बहुत बड़ी गलती है कि जो सिद्धांत आपने रचा उसका तथ्य आपके पास नहीं है। लेकिन गुरुदेव परम श्रद्धेय सर श्री आशुतोष महाराज जी एक कदम आगे की बात कहते हैं, ये उससे भी बड़ी गलती है जो सिद्धांत आपने रचा, जो तथ्य आपके पास है उसे आप अपने जीवन में प्रयोगात्मक रूप से धारण नहीं कर सकते, लागू नहीं कर सकते। इसीलिए गुरुदेव सर श्री आशुतोष महाराज जी अक्सर कहा करते हैं कि आपके जीवन का लक्ष्य परमात्मा राम के बारे में जानना नहीं है, आपके जीवन का लक्ष्य परमात्मा को जानना है। और इस के और को के अंतर को खत्म करने के लिए ही दिव्य ज्योति जागृति संस्थान की ओर से ये दिव्य विलक्षण रामकथा को लेकर आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं। और जब हृदय में सच्चा भाव है ईश्वर को पाने का तो ईश्वर अवश्य मिलते हैं। इसीलिए कहा, यदि ईश्वर को पाने का सच्चा भाव होगा तो उस प्रभु श्री राम का अवश्य प्रादुर्भाव होगा। और हम सभी जानते हैं कि गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि गोस्वामी तुलसीदास जी जिस समय उन्हें पत्नी से फटकार लगी, अस्थि चर्म मम देह तामे ऐसी प्रीति, तो हमारे ग्रंथ हमारे शास्त्र कहते हैं कि गोस्वामी तुलसीदास जी के ज्ञान तंतु खुल गए। भीतर मानो ऐसे लगा जैसे बिजली कौंध गई हो और उनकी जितनी आसक्तियां थी वो धीरे धीरे छटने लगी और गोस्वामी तुलसीदास जी चल पड़े प्रभु को मिलने के लिए, प्रभु को पाने के लिए, प्रभु की खोज में। यहां तक की कहानी तो हमने बहुत बार सुनी है। आइए आज आगे की यात्रा करते हैं कि गोस्वामी तुलसीदास जी के साथ हुआ क्या, वो प्रभु श्री राम जी से कैसे मिले। कहते हैं कि जिस समय फटकार लगी गोस्वामी तुलसीदास जी प्रभु की तलाश में, खोज में चलते चलते काशी में पहुंच गए और काशी के तट पर वास करने लगे और प्रभु का स्मरण करने लगे, प्रभु की कथाओं को सुनने लगे। कहते हैं कि एक दिन गोस्वामी तुलसीदास जी को एक दिव्य आत्मा की ध्वनि सुनाई दी, उनकी भेंट एक दिव्य आत्मा से हुई। तो दिव्य आत्मा ने कहा, तुलसीदास जी मांगो, जो भावे सो मांग ले, आपको जो चाहिए आप मांग ले, आपको वही मिलेगा। जिस समय गोस्वामी तुलसीदास जी ने सुना उन्होंने थोड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने कहा, जो भावे सो मांग ले, मुझे तो संसार की कोई वस्तु नहीं चाहिए, मुझे अगर चाहिए तो केवल प्रभु श्री राम का दर्शन चाहिए। क्या आप मुझे प्रभु श्री राम से मिला सकते हैं? तो उस दिव्यात्मा ने कहा, यह कार्य तो केवल हनुमान जी का है, हनुमान जी के बिना प्रभु श्री राम जी का दर्शन कौन करवा सकता है। तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा, हे दिव्यात्मा, यदि प्रभु श्री राम का मिलन हनुमान जी करा सकते हैं तो मैं हनुमान जी को कहाँ ढूंढूंगा इतने बड़े विश्व में। तो उस दिव्यात्मा ने कहा, आप चिंता मत करें, आप जिस स्थान पर कथा सुनने जाते हैं वहीं आपको श्री हनुमान जी से भेंट होगी। तो तुलसीदास जी के मन में थोड़ा सा प्रश्न पैदा हुआ। उन्होंने कहा, इतने लोगों में मैं हनुमान जी को कैसे ढूंढूंगा, अब कैसे पता चलेगा कि हनुमान जी कहाँ हैं? तो उस समय उन्हें ज्ञान होता है कि हनुमान जी के जीवन चरित्र की एक विशेषता है। जानते हैं कौन सी विशेषता है? कहते हैं कि हनुमान जी जब कथा प्रारंभ होती है उससे सबसे पहले जो आते हैं वो कौन आते हैं? हनुमान जी आते हैं। और सबसे आखिर में कौन जाते हैं? हनुमान जी जाते हैं। तो वो दिव्यात्मा ने कहा, तुलसीदास जी आप इस तरह से हनुमान जी को खोज सकते हैं। अब क्या था, तुलसीदास जी पहुंच गए खोजने के लिए हनुमान जी को और कथा के स्थल पर पहुंच गए। और जैसे ही कथा के स्थल पर पहुंचे, सबसे पहले पहुंच गए, सबसे पहला व्यक्ति कौन आएगा देखने के लिए? तो उसी समय तुलसीदास जी की दृष्टि पड़ी, एक बुजुर्ग कोढ़ी बाबा धीरे धीरे लाठी का सहारा लेकर चले आ रहे थे। जैसे तुलसीदास जी ने देखा, मन में सोचा हो ना हो ये तो हनुमान जी ही हो सकते हैं, लेकिन एकदम से ये कहा नहीं जा सकता। तो उन्होंने कथा के समापन का इंतजार किया और जब कथा समाप्त हुई तो उन्होंने देखा वो बाबा धीरे धीरे जब सब चले गए तो वो जा रहे हैं। एक दिन ऐसा हुआ, दो दिन ऐसा हुआ और जब तीसरा दिन हुआ तो तुलसीदास जी समझ गए ये कोई और नहीं, ये तो स्वयं हनुमान जी हैं। अब क्या था, अब गोस्वामी तुलसीदास जी जाए ही नहीं पंडाल से। अब हनुमान जी का तो ये नियम है कि जब तक सभी चले नहीं जाते तब तक मैं नहीं जा सकता। अब बाबा ने जिस समय देखा कि ये तुलसी तो जा नहीं रहे, पास गए, कहने लगे यहाँ क्या कर रहे हो, अरे कथा तो कब की समाप्त हो गई, चलो यहाँ से। जैसे ऐसा कहा तो तुलसीदास जी मुस्कुरा दिए, कहने लगे बाबा आप भी तो यहीं रहते हैं, आप जाएं। तो उन्होंने कहा मैं तो बुजुर्ग हो गया हूँ, मुझसे तो चला नहीं जाता, मैं तो धीरे धीरे जाऊँगा, इसलिए पहले तुम चले जाओ। तुलसीदास जी ने हाथ जोड़ लिए, उन्होंने कहा हनुमान जी मैंने आपको पहचान लिया है, आप प्रभु के भक्त हनुमान हैं। तो हनुमान जी मुस्कुरा दिए, उन्होंने कहा पहचान लिया है तो मुझसे क्या चाहते हो। तो तुलसीदास जी ने कहा हनुमान जी मैं केवल यही चाहता हूँ कि मैं प्रभु का दर्शन करना चाहता हूँ, मैं प्रभु श्री राम से मिलना चाहता हूँ, और काशी के घाट में मुझे कितना समय व्यतीत हो गया, अभी तक मुझे प्रभु के दर्शन नहीं हुए। मैं जानता हूँ आप मुझे प्रभु का दर्शन करवा सकते हैं। हनुमान जी को गोस्वामी तुलसीदास जी पर दया आ गई, उन्होंने कहा ठीक है, तुम्हें दर्शन अवश्य होंगे, जाओ चित्रकूट जाओ, और चित्रकूट में आपको प्रभु का दर्शन होगा और आप आनंद को प्राप्त करेंगे। और गोस्वामी तुलसीदास जी चित्रकूट की ओर बढ़ चले। कहते हैं कि चित्रकूट में जाकर वास करने लगे, और एक दिन गोस्वामी तुलसीदास जी प्रभु का स्मरण कर रहे थे, तभी उन्होंने दूर से कुछ घोड़ों की टापों की आवाज़ उन्हें सुनाई दी। जैसे ही टापों की आवाज़ सुनी, गोस्वामी तुलसीदास जी का ध्यान गया कि इस नगर में कौन है जो घोड़ों पर सवार होकर आ रहा है। और गोस्वामी तुलसीदास जी एक टक उस दिशा की ओर देखते जा रहे हैं, और कथा कहती है कि उन घोड़ों पर दो सुंदर राजकुमार जो बड़े सुंदर लग रहे हैं, पीतांबर धारण किया है, उस घोड़ों पर विद्यमान हैं, और बड़ी तीव्र गति से वो घोड़े धीरे धीरे नज़दीक आ रहे हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने जिस समय उन घोड़ों को नज़दीक आते देखा अरे वाह, इनके ऊपर तो बड़े सुंदर दिव्य दो राजकुमार विद्यमान हैं, और एक टक आश्चर्य से उन्हें देखते जा रहे हैं, और देखते देखते वो घोड़े और वो राजकुमार उनकी आंखों के आगे से निकल गए। जैसे ही वो निकल गए, तुलसीदास जी अभी भी आश्चर्यचकित होकर देख रहे हैं ये कौन है। तभी हनुमान जी ने देखा अरे गोस्वामी तुलसीदास जी तो अभी भी सन खड़े हैं, पास जाकर कहने लगे अरे तुलसी, जिन्हें तुम आश्चर्य भरी दृष्टि से देख रहे थे वो कोई और नहीं है, वो प्रभु श्री राम और लक्ष्मण जी हैं, तुम्हें दर्शन देने आए थे, और तुम आश्चर्य भरी आंखों से उन्हें देख रहे थे। तुलसीदास जी उदास हो गए, तुलसीदास जी का मन खिन्न हो गया, उन्होंने हाथ जोड़ लिए, कहा हनुमान जी मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, मैं तो प्रभु को पहचान ही नहीं पाया, एक अवसर और दीजिए, मैं प्रभु को देखना चाहता हूँ, पास से उन्हें मिलना चाहता हूँ। तो हनुमान जी कहने लगे ठीक है, एक अवसर तुम्हें और मिलेगा, ऐसा करना प्रातःकाल होते ही चित्रकूट के घाट पर आ जाना, प्रभु वहाँ अवश्य आएंगे और तुम उनका दर्शन कर लेना। अब क्या था, गोस्वामी तुलसीदास जी को नींद कहाँ, जल्दी जैसे ही प्रातःकाल हुआ अपने स्नान आदि कार्यों से निवृत्त हुए, पहुंच गए चित्रकूट के घाट पर, और प्रभु का इंतजार कर रहे हैं, और धीरे धीरे चंदन घिस रहे हैं कि आज मेरे प्रभु आएंगे तो मैं उन्हें चंदन लगाऊंगा, उनका दर्शन करूंगा, उनसे खूब बातें करूंगा। गोस्वामी तुलसीदास जी के मन में बड़े भाव पैदा हो रहे थे। इतने में गोस्वामी तुलसीदास जी धीरे धीरे चंदन घिस रहे थे, तभी उन्हें एक आवाज़ सुनाई दी, बाबा बाबा मुझे चंदन नहीं दोगे। जैसे ही गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपने नेत्रों को खोला, देखा एक छोटे से बालक उनके सामने खड़े हैं, और उनकी बड़ी मधुर ध्वनि है, बड़ी मधुर सी ध्वनि सुनकर तुलसीदास जी प्रसन्न हो गए। प्रभु ने फिर कहा बाबा चंदन घिस रहे हैं, क्या आप मुझे चंदन नहीं लगाएंगे। गोस्वामी तुलसीदास जी सन उस बालक को देखते रहे, उनकी आभा, उनका तेज, उनके स्वरूप को देखकर अत्यंत प्रसन्न हो रहे हैं। और इधर हनुमान जी को लगा अरे इस बार भी कहीं तुलसीदास जी चूक ना कर जाएं, तो उन्होंने जल्दी से शुक का रूप धारण किया और एक पंक्ति का उच्चारण किया, चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक तिलक देत रघुवीर। जैसे ही गोस्वामी तुलसीदास जी ने हनुमान जी के इस इशारे को, इस पंक्ति को सुना, तो मन गदगद हो उठा। आज साक्षात प्रभु श्री राम बालक के रूप में उनके सामने खड़े हैं और गोस्वामी तुलसीदास जी ने जल्दी से प्रभु श्री राम जी का जो बालक रूप में थे उनका हाथ पकड़ लिया। जैसे ही हाथ पकड़ लिया आज छोड़ ही नहीं रहे हैं और प्रभु कहने लगे, बाबा चंदन लगाए हमें, हम तो यहाँ तिलक लगवाने आए हैं। प्रभु सामने हो, कौन चंदन कैसा तिलक। आज तुलसीदास जी अपनी सुधि बिसार बैठे, भूल गए सब कुछ, वो कौन हैं। और नेत्रों से झरझर अश्रुधारा प्रवाहित हो रही है और प्रभु को देखते जा रहे हैं, प्रभु को निहारते जा रहे हैं। प्रभु ने देखा तुलसी तो अपनी सुध खो बैठे हैं, तो प्रभु ने क्या किया, जल्दी से तुलसीदास जी ने जो चंदन घिसा था उसको अपने हाथ में लिया और जल्दी से अपने माथे पर लगा लिया। और जैसे प्रभु ने अपने माथे पर लगाया, कहने लगे, वाह तुलसी क्या चंदन है, शीतल हो गया माथा। तुलसीदास जी के अभी भी नेत्रों से जलधार प्रवाहित हो रही है। प्रभु ने देखा मेरा भक्त तो बेसुध हो गया है, तो उन्होंने जल्दी से उस चंदन को लिया और जल्दी से तुलसीदास जी के माथे पर लगा दिया। और जैसे ही माथे पर लगाया, तुलसीदास प्रभु के स्पर्श को पाकर आनंदित हो गए, इतने आनंदित हुए और प्रभु ने अपनी बात छुड़ाई और अंतर्धान हो। जिस समय गोस्वामी तुलसीदास जी ने देखा, ये क्या, मेरे प्रभु तो मेरी आंखों से ओझल हो गए हैं, मैंने तो उनसे बहुत सारी बातें करनी थी, कहाँ मिलेंगे। विह्वल हो उठे तुलसीदास जी, तड़प उठे। और उसी समय हनुमान जी को कहने लगे, हनुमान जी ये आपने मेरे साथ क्या किया। हनुमान जी मुस्कुराते हुए बोले, क्या किया, प्रभु से मिलवा दिया और क्या किया। तो उन्होंने कहा, नहीं हनुमान जी मेरी पिपासा तो शांत ही नहीं हुई, मेरी पिपासा तो और बढ़ गई है, मैं तो प्रभु को अपने साथ पाना चाहता हूँ, सदैव उनके साथ रहना चाहता हूँ, लेकिन ये कैसे संभव होगा। मैंने संतों के श्रीमुख से सुना है। उस समय हनुमान जी गोस्वामी तुलसीदास जी को कहते हैं, आपको एक गुरु की शरण में जाना होगा। जब आप एक गुरु की शरण में जाएंगे, वो आपको प्रभु श्री राम का तत्व से दर्शन करवा देंगे, तब आप हर क्षण हर पल प्रभु का सानिध्य, प्रभु का सामीप्य प्राप्त करते रहेंगे। और उस समय गोस्वामी तुलसीदास जी अपने गुरु नरहरि दास की शरण में जाते हैं और उनसे वो ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करते हैं। और उनके गुरु ने कपाट खोल दिए और भीतर प्रभु श्री राम जी को प्रकट कर दिया। और जैसे अंतस में प्रभु श्री राम जी का दर्शन किया, गोस्वामी तुलसीदास जी की भक्ति की यात्रा प्रारंभ हो गई। तुलसीदास जी गदगद हो गए और अपने गुरु के वंदन में कहा, बंदौ गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोहतम पुंज जासु बचन रवि कर निकल। गुरु के लिए वंदन निकल पड़ा। हमारे शास्त्रों की ये कहानियाँ, हमारे शास्त्रों के ये वृत्तांत सज्जनों केवल वृत्तांत नहीं हैं, ये जीवन के बड़े सूत्र हैं, बड़े गहरे गूढ़ सूत्र। आज हम विचार करें, गोस्वामी तुलसीदास जी का जीवन चरित्र हमें समझाना चाहता है, हमारे भीतर भी प्रभु श्री राम जी को देखने की जिज्ञासा होनी चाहिए, हमारे भीतर भी प्रभु श्री राम जी को पाने की जिज्ञासा होनी चाहिए और पाने के लिए आगे बढ़ना चाहिए। चलिए आज इस कथा के माध्यम से समझना चाहेंगे, सीखना चाहेंगे कि यदि हमारे भीतर में प्रभु श्री राम जी को पाने की जिज्ञासा है, तो प्रभु श्री राम मिलेंगे कहाँ। आइए किसी और से नहीं पूछते, स्वयं गोस्वामी तुलसीदास जी से पूछते हैं कि उन्हें प्रभु कहाँ मिले। चलिए आपकी एक छोटी सी परीक्षा लेते हैं, गोस्वामी तुलसीदास जी को प्रभु का दर्शन कहाँ पर हुआ, कहाँ हुआ, चित्रकूट में। आइए विचार करें, ये चित्रकूट क्या है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, राम कथा मंदाकिनी चित्रकूट चित चारू। राम कथा यदि मंदाकिनी नदी है, तो ये चित क्या है, ये चित चित्रकूट है, जहां पर ईश्वर का वास है। यहां हृदय में ईश्वर मिलेंगे, लेकिन समाज की ये विडंबना है, हम सब ईश्वर को बाहर ढूंढ रहे हैं, कंदराओं में, वनों में, जंगलों में, लेकिन परमात्मा तो हमारे भीतर में, वो सीताराम तो हमारे भीतर में विद्यमान है, वहां तो हम खोज ही नहीं रहे हैं। ईश्वर एक ऐसा विषय है जिसने बड़े बड़े विद्वानों की बुद्धि को खूब खुजाया है और इतनी बुद्धि लगाने के पश्चात भी बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े वैज्ञानिक, बड़े बड़े तार्किक वो प्रभु की पहेली को सुलझा नहीं पाए हैं। उनके लिए ईश्वर एक पहेली बनकर रह गया। वो अभी भी ईश्वर को तत्व से नहीं जान पाए। जानते हैं क्यों? चलिए एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। कहते हैं कि साउथ अफ्रीका जो है वो हीरो की खदानों के लिए जाना जाता है और किम्बर्ले वहां की प्राचीनतम खदान है, बड़ी प्रसिद्ध। और सबसे हैरानी की बात है कि साउथ अफ्रीका के लोगों को एक समय ऐसा था, पता ही नहीं था कि वहां पर अनंत हीरे हैं और हीरो की खदानें हैं। वो ना जाने कितनी बार उन हीरो की खदानों से निकलते और वापस आ जाते। कहते एक बार एक व्यक्ति ने एक घर में प्रवेश किया और जिस समय घर में प्रवेश किया उसने देखा कि एक छोटा सा बच्चा एक चमचमाते हुए पत्थर के साथ खेल रहा है और वो पत्थर बड़ा ही आकर्षित लग रहा है। और उसी समय उस व्यक्ति ने कहा कि क्या ये मैं पत्थर देख सकता हूँ, जान सकता हूँ। जिस समय उस पत्थर को उस व्यक्ति ने पकड़ा, मन में सोचने लगा इसका तो निरीक्षण परीक्षण होना चाहिए। तो उन्होंने घर के सदस्यों से कहा आप मोल बता दें, मैं ये पत्थर लेकर जाना चाहता हूँ। तो उन घर के सदस्यों ने कहा ऐसे पत्थर तो हमारे यहाँ बहुत मिलते हैं, बहुत हैं, आप ऐसे ही ले जाइए, इसका क्या मोल। तो वो व्यक्ति अपने घर गया। वो एक जौहरी था, उसने खूब निरीक्षण परीक्षण किया और निरीक्षण परीक्षण करने के पश्चात उसे पता चला कि वो चमचमाता हुआ पत्थर एक अनमोल रत्न है, एक अनमोल हीरा है, जिसके विषय में साउथ अफ्रीका के लोग जानते ही नहीं हैं। सज्जनों, हमारी भी स्थिति कुछ ऐसी ही है। वो अनमोल रत्न, वो ईश्वर, वो परब्रह्म परमात्मा हमारे अंतस में विद्यमान है, लेकिन हमने कभी अपने भीतर उसे खोजा ही नहीं है। हैरानी की बात तो यह है, साउथ अफ्रीका के लोगों ने तो वर्षों वर्ष बाद उन खदानों को, उन हीरों को खोज लिया, लेकिन हम ताउम्र भटकते रहते हैं, उलझते रहते हैं, लेकिन प्रभु श्री राम को अपने भीतर जान नहीं पाते, भीतर देख नहीं पाते, क्योंकि हमें पता ही नहीं है वो मार्ग, वो रास्ता पता ही नहीं है। इसीलिए संतों ने बहुत सुंदर कहा, दुनिया भरम भूल बौराई, आत्म राम सकल घट भीतर, जाकी सुधी ना पाई। संत दरिया जी बहुत सुंदर कहते हैं, उन्होंने कहा वो ईश्वर, वो परमात्मा, वो भगवान हमारे हृदय में विद्यमान है, आत्म राम सकल घट भीतर, वो इस घट में विद्यमान है, जाकी सुधी ना पाई। हमें पता ही नहीं है कि हमारे भीतर में, हमारे अंतस में वो ईश्वर विद्यमान है। और कबीर जी ने जिस समय समाज के लोगों की ऐसी स्थिति को देखा तो उन्होंने एक बहुत सुंदर रचना को लिखा और उन्होंने लिखा, पानी में मीन प्यासी, मोहे सुन सुन आवत हासी, आत्मज्ञान बिना नर भटकत, क्या मथुरा क्या काशी, पानी में मीन प्यासी, मोहे सुन सुन आवत हासी। आइए ऐसी ही दिव्य रचना को एक भजन के माध्यम से श्रवण करते हैं। आत्मज्ञान बिना नर भटके, आत्मज्ञान बिना नर भटके। कोई मथुरा कोई काशी, कोई मथुरा कोई काशी। जैसे मृगा नाभि कस्तूरी, जैसे मृगा नाभि कस्तूरी। बन बन फिरत उदासी, बन बन फिरत उदासी। पानी में मीन प्यासी, मोहे सुन सुन आवत हंसी रे ओ हंसी रे ओ हंसी रे। जल विच कमल कमल विच कलियां, जल विच कमल कमल विच कलियां। तां पर भंवर निवासी, तां पर भंवर निवासी। सो मन वश त्रिलोक भयो सब, सो मन वश त्रिलोक भयो सब। यति सती सन्यासी, यति सती सन्यासी। पानी में मीन प्यासी रे, मोहे सुन सुन आवत हंसी रे ओ हंसी रे ओ हंसी रे। हाजिर ही दूर बतावे, है हाजिर ते ही दूर बतावे। दूर की बात निराशी, दूर की बात निराशी। कहे कबीर सुनो भाई साधो, कहे कबीर सुनो भाई साधो। गुरु बिन भरम ना जासी, गुरु बिन भरम ना जासी। पानी में मीन प्यासी रे, मोहे सुन सुन आवत हंसी रे ओ हंसी रे ओ हंसी रे। कबीर जी अपनी वाणी में बहुत सुंदर कहते हैं, पानी में मीन प्यासी मोहे सुन सुनावत हासी। उन्होंने कहा जल में रहकर भी मीन प्यासी रह जाती है, ऐसे ही वो ईश्वर हमारे भीतर में है और हम उन्हें पता नहीं कहाँ कहाँ खोजते रहते हैं। ऑगस्टीन कहते हैं मैंने ईश्वर की तलाश में पूरा विश्व छान दिया कंदराओं में, गुफाओं में, ना जाने कहाँ कहाँ मैंने ईश्वर की तलाश की, लेकिन जहाँ वो विद्यमान है इस हृदय रूपी घट में, यहाँ शरीर में, वहाँ उसे तलाशा ही नहीं, परमात्मा तो यहाँ रहता है। और हमने ईश्वर को पाने के कितने मार्ग बना दिए। लाउत्से कहते हैं, नॉट ऑल स्पिरिचुअल पाथ्स लीड द हार्मनीज वननेस, इंडीड मोस्ट आर डिटोर्स एंड डिस्ट्रैक्शन, नथिंग मोर। अधिकतर जो मार्ग हैं वो उलझाने वाले हैं, भटकाने वाले हैं, ईश्वर तक ले जाने वाला मार्ग नहीं है। यदि समस्त मार्ग उलझाने वाले हैं तो ईश्वर तक पहुंचने का मार्ग कौन सा है? तो महाभारत की ओर बढ़ते हैं। महाभारत में कहा गया है, धर्मस्य तत्वं निहितं गुहा यांग महायनो येन गतः स पंथाः। ईश्वर को पाने का एक ही मार्ग है और वह मार्ग है जहां से महापुरुष होकर गुजरे हैं। अब विचारनी है कि महापुरुष किस मार्ग से होकर गुजरे हैं। तो मुंडकोपनिषद में कहा गया है, परीक्षे लोकान कर्म चित्तान ब्राह्मणो निर्वेद माया नास्ति कृतः कृतेन तद्विज्ञानार्थं स गुरुमेवाभिगच्छेत समित पाणिः क्षोत्रियं ब्रह्मनिष्ठम। जब हमारे जीवन में क्षोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु का आगमन होगा तभी हम अपने भीतर में उतर पाएंगे और ईश्वर का दर्शन कर पाएंगे। क्योंकि जब जीवन में गुरु आता है तो हमारे समस्त आवरणों को हटा देता है, समस्त बंधनों को खोल देता है। तब हम अपने भीतर में परमात्मा का साक्षात्कार करते हैं, परमात्मा का दर्शन करते हैं। स्वामी योगानंद जी अपने सत्संग प्रवचनों में एक चूजे का एग्जाम्पल दिया करते थे। उन्होंने कहा, जब एक चूजा अंडे में होता है ना तो उसे अंडा ही सारा संसार लगता है, लेकिन जैसे ही वो अंडा फूटता है वो बाहर की दुनिया को देखता, अरे इतना बड़ा संसार है ये तो। ठीक इसी प्रकार से हम इस संसार को देखते हैं, लेकिन जब गुरु जीवन में आता है वो जो माया का आवरण हम पर पड़ा उसे हटा देता है और हमें भीतर ले जाता है। तब हम भीतर असीम ब्रह्मांड, असीम परब्रह्म परमात्मा का दर्शन करते हैं। तब हम, हमारा जो आवरण, वो जो माया है वो हट पाती है, उससे पहले नहीं। और दिव्य ज्योति जागृति संस्थान की ओर से ये जो श्री राम कथा लेकर आए हैं, ये माया के आवरण का अनावरण करना कैसे है, ये युक्ति आपके मध्य लेकर उपस्थित हुए हैं। ये विलक्षण प्रभु श्री राम की कथा है। और गोस्वामी तुलसीदास जी और भगवान महादेव जी प्रभु श्री राम जी की कथा की महिमा का गुणगान करते हुए बड़ी एक सुंदर चौपाई की रचना करते हुए क्या कहते हैं, आइए हम भी श्रवण करते हैं। सुनहु सादर मनु लाई, कहु राम के कथा सुहा। कथा कालिका कराला। गोस्वामी तुलसीदास जी बहुत सुंदर लिखते हैं। उन्होंने कहा, प्रभु श्री राम जी की कथा क्या है? कालिका कराला, साक्षात माँ काली है। और किसका वध होता है? मोह रूपी महिषासुरकांत होता है। जो मोह की बेड़ियां, जो मोह के बंधनों ने हमें जकड़ रखा है, ये प्रभु श्री राम जी की कथा उन बंधनों से मुक्त कर देती है। ऐसी पवित्र कथा है ये। सोचकर देखिए, मोह किसे कहते हैं? मोह स्वयं का बोध ना होना और शरीर के साथ तादात्म्य में स्थापित कर लेना ही तो मोह है, और क्या है। लेकिन प्रभु श्री राम जी की कथा मोह बंधनों को पार कर देने वाली कथा है। ये काली के समान जब जीवन में आती है तो जीवन के समस्त बंधनों का, समस्त माया मोह के राक्षसों का अंत कर देती है और हम में सद्गुणों का संचार कर देती है। ऐसी ये प्रभु श्री राम जी की कथा है। गोस्वामी तुलसीदास जी राम कथा की महिमा को गाते हुए कहते हैं, राम कथा शशि किरण समाना, संत चकोर कर ही जही पाना। प्रभु श्री राम जी की जो कथा है वो किरण के समान है और संत चकोर बनकर उसका पान करते हैं। रामचरित मानस एही नामा, श्रवण सुखद पाय विश्रामा। कहते हैं प्रभु की कथा ऐसी, उनका चरित्र ऐसा है, जितना सुनते जाओ, जितना भीतर उतरता जाता है, उतना ही विश्राम आता जाता है। इसीलिए तो गोस्वामी तुलसीदास जी को कहना पड़ा, राम कथा सुंदर करतारी संस्यो बेग उड़ावनहारी। उन्होंने कहा राम कथा क्या है? क्या है? ताली है। और जब राम कथा की ताली बजती है तो क्या होता है, गोस्वामी तुलसीदास जी ने बड़ा अच्छा विवरण दिया है। कहते हैं कि मान लीजिए आपके घर के आंगन में एक वृक्ष है और उस वृक्ष पर बहुत सारे पक्षी बैठे हैं और आपको कहा जाए कि आपने उन पक्षियों को उड़ाना है, लेकिन किसी पत्थर का इस्तेमाल नहीं करना है और ना ही अपने स्थान पर खड़े होना है, तो आप उन पक्षियों को कैसे उड़ाएंगे? बताएं ज़रा, कैसे उड़ाएंगे? ये बात आप ताली बजाएंगे और जैसे ही ताली बजेगी तो क्या होगा? पक्षी उड़ जाएंगे। ठीक इसी प्रकार से गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, जब श्री राम कथा की ताली बजती है तो कौन से पक्षी उड़ जाते हैं? संशयो बेग उड़ावनहारी। संशय के जो पक्षी हमारे अंतस में बैठे हैं वो फुर करके उड़ जाते हैं। लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि जब तक वृक्ष रहेगा पक्षियों के आने की संभावना भी बनी रहेगी ना। तो उन्होंने कहा राम कथा जो है वो ताली के समान भी है, तो कुल्हाड़ी के समान भी है। जब राम कथा की कुल्हाड़ी चलती है तो वो संशय जिस वृक्ष पर आकर बैठते उसका ही समूल नाश कर देती है। ना वृक्ष रहेगा ना पक्षी आकर बैठेंगे। ये श्री राम की कथा संशयों का निवारण करने वाली कथा है। यही कारण तो है कि भक्त ही नहीं, स्वयं आशुतोष भगवान भी, स्वयं महादेव प्रभु श्री राम जी की कथा सुनने के लिए आतुर रहते हैं और बार बार मेरे प्रभु की कथा को सुनने के लिए पहुंच जाते हैं। यूँ तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में बहुत सारे वक्ताओं का और श्रोताओं का जिक्र किया है, लेकिन एक वक्ता जो हैं वो बड़े अद्भुत और बड़े विलक्षण हैं। और वो वक्ता कौन से हैं? कागभुषुंडी जी। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि कागभुषुंडी जी प्रभु की कथाओं को कहते हैं। तो किसी ने गोस्वामी तुलसीदास जी से पूछ लिया, बाबा यदि कागभुषुंडी जी कथाओं को कहते हैं तो सुनने वाले भी कागभुषुंडी ही होंगे। अगर मानव कहता तो सुनने वाले भी मानव हैं और कागभुषुंडी कहेंगे सुनने वाले भी काग होंगे। तो जब गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा, उन्होंने कहा कहते तो कागभुषुंडी हैं लेकिन सुनने वाले कागभुषुंडी नहीं है। तो उन्होंने कहा सुनने वाले कौन हैं? तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने भगवान महादेव की एक चर्चा सुनाई। कहते एक दिन भगवान महादेव और पार्वती जी बैठे हुए थे। तो भगवान महादेव ने कहा, पार्वती जब सती रूप में तुम्हारी देह का परित्याग हो गया तो मैं विह्वल हो उठा। तो एक दिन मैं सुमेरु पर्वत का भ्रमण कर रहा था, तो क्या हुआ, तब मैं एक कौतुक देखा। अद्भुत कौतुक। तो पार्वती जी ने पूछा, आपने कौन सा कौतुक देख लिया? तो उन्होंने कहा, मैंने देखा कि कागभुषुंडी जी कथा सुना रहे हैं। तो पार्वती जी ने कहा, इसमें कौतुक वाली कौन सी बात है? कागभुषुंडी कथा सुना रहे हैं, कागभुषुंडी कथा सुन रहे हैं। तो महादेव जी कहने लगे, बिल्कुल ऐसा नहीं था। उन्होंने कहा, बहुत सारे मराल, बहुत सारे हंस उनके सामने बैठकर कथा सुन रहे थे, यह सबसे बड़ा कौतुक था। तो पार्वती जी सोच में पड़ गई। तो उन्होंने कहा, प्रभु फिर आपने क्या किया? आप तो कथा रसिक हैं और प्रभु श्री राम से तो आप इतना प्रेम करते हैं और राम की कथा तो आप छोड़ नहीं सकते। आप जरूर कथा सुनने गए होंगे और जब आप गए होंगे तो कागभुषुंडी जी अपने स्थान पर खड़े हो गए होंगे कि मेरे महादेव आए हैं, मेरे प्रभु आए हैं। तो भगवान महादेव कहने लगे, ऐसा तो मैं कभी कर ही नहीं सकता, क्योंकि यदि मैं महादेव के रूप में जाता तो क्या होता, कथा से वंचित रह जाता, कागभुषुंडी मेरा ही सम्मान करते रहते। लेकिन मैंने क्या किया, मैंने भी रूप बदल लिया। पार्वती जी ने कहा, अच्छा तो प्रभु आपने कौन सा रूप धारण किया? उन्होंने कहा, तब कछु धरे रूप मराल। मैंने भी मराल का रूप धारण कर लिया और हंसों के बीच में जाकर बैठ गया। मेरी प्रभु की कथा हो रही, मैंने खूब आनंद से कथा सुनी। तो पार्वती जी सोच में पड़ गई। उन्होंने कहा, कागभुषुंडी तो कर्कश बोलते हैं, कौवे की वाणी तो कर्कश वाणी होती है और मराल तो हंस हैं, वो कैसे सुन सकते हैं? तो उन्होंने कहा, बोल ही मधुर वाणी, बाबा कहते हैं काकभुशुंडी जी मधुर वाणी बोल रहे हैं, तो पार्वती जी से रहा नहीं गया, बड़ी जिज्ञासु प्रवृत्ति की है। उन्होंने कहा प्रभु ये क्या बात हुई, काकभुशुंडी जी तो कर्कश वाणी में बोलते हैं तो राम कथा आपको अच्छी कैसे लगी कर्कश वाणी में? तो भगवान महादेव कहते हैं यही तो बात है, यही मेरे प्रभु की कथा की महिमा है। उन्होंने कहा अगर कोई बहुत मधुर बोलता है, बहुत अच्छे व्यक्तित्व का धनी है, यदि वो मेरे प्रभु की कथा कहता है तो आपको मीठी लगती है, तो इसमें तो समस्या आ गई ना, कि समस्या में ये है कि उसमें कथा की मिठास है कि व्यक्ति के कंठ की मिठास है, आपको कैसे पता चलेगा? भगवान महादेव कहते हैं अगर कर्कश वाणी से भी प्रभु राम की कथा मीठी लगे तो इसमें कोई मिलावट नहीं है, इसमें सिर्फ मेरे प्रभु की कथा की महानता है। वो कहते हैं मेरे प्रभु की कथा ऐसी है, कोई कर्कश वाणी वाला भी बोल देना उसके लिए भी मीठी है, और जिसे महादेव कहते हैं मीठी नहीं ना लगती कथा, उसे अपने पे काम करने की जरूरत है, उसने अंदर अपने बहुत कुछ भर रखा है। भगवान महादेव बड़ी गहरी बात कर देते। और ये राम कथा जो हम सुनते हैं ये कहानी नहीं है, ये नाटक नहीं है, ये उपन्यास नहीं है, ये हमारे शास्त्रों को जो लिखा गया है, हमारे भक्तों की अनुभूतियों की अभिव्यक्ति है। सज्जनों, ये मनोरंजन का विषय नहीं है, ये आत्मरंजन का विषय है, क्योंकि ये आत्मा में स्थित होकर लिखा गया ग्रंथ है। वाल्मीकि रामायण में वाल्मीकि जी बहुत सुंदर अपना विवरण देते हैं। कहते हैं कि एक दिन वाल्मीकि जी कुशासन पर बैठ गए, ध्यान साधना की गहराइयों में उतर गए, और उस समय उन्होंने गहन समाधि की अवस्था में जाकर प्रभु श्री राम जी की भांति भांति की लीलाओं को देखा, भांति भांति की लीलाओं का आनंद लिया। ततः पश्यति पश्येत, उन्होंने ऐसे से दृश्यों को देखा जिस प्रकार से हाथ पर रखे हुए आंवले को देखा जाता है, ऐसे प्रभु की लीलाओं का दर्शन किया और फिर उन्होंने कलमबद्ध किया, फिर उन्होंने लिखा, और आज हम उन्हें पढ़ रहे हैं। ये सज्जनों कहानी नहीं, ये अनुभूतियां हैं। क्या आप जानते हैं कि रामचरितमानस की रचना कैसे हुई? रामचरितमानस की रचना भी भीतर उतर कर हुई। कथा कहती है कि गोस्वामी तुलसीदास जी काशी के घाट पर वास करते हैं, और जिस समय काशी के घाट पर वास करते हैं प्रभु का खूब कीर्तन करते हैं, प्रभु को स्मरण करते हैं, प्रभु को नमन करते हैं। एक दिव्य काशी के घाट पर एक दिव्य वातावरण है और सभी लोग भक्त आतुर हो रहे हैं गोस्वामी तुलसीदास जी से प्रभु की महिमा को सुनने के लिए, और आज पृथ्वी का हर कण प्रभु के नाम से स्पंदित हो रहा है। तो चलिए हम भी देखते हैं कि प्रभु की महिमा कैसी है और भक्त कैसे प्रभु की महिमा का गुणगान करते हैं। क्यों? क्योंकि प्रभु की महिमा ऐसी है जिसको गानी आ जाती है उसको अपनी जिंदगी बनानी आ जाती है ना। तो चलिए हम पीछे क्यों हटे, हम भी प्रभु की महिमा गाते हैं। राम नाम की अनुपम महिमा कैसी है? राम नाम की अनुपम महिमा, जिसको भी गाने आ गई उसको अपनी जिंदगी बनाने आ गई। जरा दोनों हाथ ऊपर, ये बात ताली ताली क्या बात। राम नाम की अनुपम महिमा, राम नाम की अनुपम महिमा, जिसको भी गाने आ गई उसको अपनी जिंदगी बनानी आ गई। हाँ, उसको अपनी जिंदगी बनानी आ गई, उसको अपनी जिंदगी बनानी आ गई। हाँ, उसको अपनी जिंदगी बनानी आ गई। जय जय राम राम राम, जय जय राम राम राम, जय जय राम राम राम, जय जय राम राम राम। आगे बोलो ना एक बार, जय जय राम राम राम, जय जय राम राम राम, जय जय राम राम राम। पहाड़ों से हो चाहे सहज ही वो टलते हैं, हाँ सहज ही वो टलते हैं, हाँ सहज ही वो टलते हैं। प्रभु राम की महिमा जिसको, प्रभु राम की महिमा जिसको सबको सुनाने आ गई, उसको अपनी जिंदगी बनाने आ गई, हाँ उसको अपनी जिंदगी बनाने आ गई, उसको अपनी जिंदगी बनाने आ गई, हाँ उसको अपनी जिंदगी बनाने आ गई। जय जय राम राम राम, जय जय राम राम राम, जय जय राम राम राम, जय जय राम राम राम। आगे तो जरा ये दलदल ने जकड़ा हो चाहे तूफानों ने घेरा, तूफानों ने घेरा, हाँ तूफानों ने घेरा। जलता हो चाहे तेज धूप में या छाया हो अंधेरा, हाँ या छाया हो अंधेरा, जिसको प्रभु की अंतर मन से, जिसको प्रभु से ताल मिलाने आ गई, उसको अपनी जिंदगी बनाने आ गई, हाँ उसको अपनी जिंदगी बनाने आ गई, उसको अपनी जिंदगी बनाने आ गई, हाँ उसको अपनी जिंदगी बनाने आ गई। जय जय राम राम राम, 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 जय राम बोल सियावर रामचंद्र भगवान की जय, सत्य सनातन धर्म की जय, सर्व श्री आशुतोष महाराज जी की जय। आदरणीय कथा व्यास जी से अनुमति के साथ, एक पावन पुनीत परंपरा है हमारे सनातन धर्म की, और वह परंपरा है दीप प्रज्वलन की। हमारे मध्य में गणमान्य अतिथिगण उपस्थित हैं, उनका हार्दिक अभिनंदन करते हुए हम उनके नाम यहाँ अनाउंस करेंगे। आप कृपया मंच के नज़दीक आएं और इस परंपरा का निर्वाह करें। श्रीमती लीला बहन जी अनकोलिया जी, अध्यक्ष है वुमेन सेल के, आपका अभिनंदन है, कृपया मंच के निकट आएं आप। श्री नारायण भाई मकवाना जी, वरिष्ठ भाजपा नेता है, अभिनंदन है, कृपया मंच के निकट आएं आप। श्री राजेंद्र भाई पटेल जी, पूर्व काउंसलर हैं, अभिनंदन है आपका। श्री राकेश कुमार ब्रह्मभट्ट जी, कॉरपोरेटर हैं, आपका अभिनंदन है, कृपया मंच के निकट आएँ आप। श्री अतुल मिश्रा जी, प्रदेश संयोजक हैं, अन्य भाषा भाषी परिकोष्ठ भाजपा के, आपका भी अभिनंदन है, कृपया मंच के निकट आएँ। श्रीमती एवं श्री सुशील निवेटिया जी, अहमदाबाद से, यहीं से हैं सभी लोग। श्रीमती एवं श्री पवन निवेटिया जी, श्रीमती मीना अग्रवाल जी, अहमदाबाद से। श्रीमती चित्र रेखा गुप्ता जी, श्री भरत कुमार जी अग्रणी व्यापारी हैं अहमदाबाद से, श्री रोशन भाई उदासी जी सरदार नगर से, श्रीमती एम श्री दिलीप कुमार केशव लाल पवानी जी नारायणपुरा से हैं, श्रीमती एम श्री अनूप कुमार गुलाटी जी, श्री संदीप भाई पारिख जी सदस्य अनुसूचित जाति मोर्चा भारतीय जनता पार्टी से, श्री हरिप्रकाश जी शर्मा महामंत्री हैं चांदखेड़ा भारतीय जनता पार्टी से, श्री महेंद्र कुमार चौधरी जी कर्णावती जूट अहमदाबाद से आपसे आग्रह की कृपया मंच के निकट आएँ। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। कार्यक्रम के मुख्य यजमान श्री राजकुमार अग्रवाल जी और श्रीमती बेला अग्रवाल जी चिरानिया, श्री श्याम एंटरप्राइजेज खाड़िया अहमदाबाद, अभिनंदन है, कृपया मंच के निकट आएँ। श्रीमती पुष्पा जिंदल जी चिड़ीपाल इंडस्ट्रीज लिमिटेड अहमदाबाद से, अभिनंदन है, कृपया मंच के निकट आएँ। श्री ढालूराम मंगलानी जी और श्रीमती कोमल मंगलानी जी मणिनगर से हैं, श्रीमती प्रतिष्ठा सिन्हा जी गांधीनगर से, श्रीमती एम श्री मदन लाल गुप्ता जी जीटीएम फैब्रिक्स मिल्स अहमदाबाद से, आप सभी कार्यक्रम के मुख्य यजमान हैं, कृपया मंच के निकट आएँ। आज के दैनिक यजमान श्री सुमंत कुमार पाल जी, श्री किशोर लालवानी जी और श्री वीरेंद्र पाल और मोतीलाल गोयल जी, आपका अभिनंदन है, भुज से आए, कृपया मंच के निकट आएँ और दीप प्रज्वलन में सम्मिलित हों। और आदरणीय कथा व्यास जी से मैं आग्रह करता हूं कि हमें आगे की कथा का रसास्वादन प्रदान करें। धन्यवाद। बोलिए सियावर रामचंद्र महाराज की जय। गोस्वामी तुलसीदास जी प्रभु के राम नाम की महिमा में मग्न हैं और एक दिन गोस्वामी तुलसीदास जी के मन में विचार आया, क्यों ना मैं प्रभु श्री राम जी की महिमा को लिखूं। और कहते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी ने संस्कृत भाषा में प्रभु राम की महिमा को लिखना प्रारंभ कर दिया। सुबह से लेकर संध्या तक प्रभु श्री राम जी की महिमा को लिखा और जब विश्राम करने के लिए अपने कुटीर में गए और प्रातः काल में आकर देखा, अरे वहाँ पर तो कोई भी रचना नहीं है, मानो ऐसे लगा सारी रचनाएं ही गायब हो गई हूँ। गोस्वामी तुलसीदास जी सोच में पड़ गए और मन में विचार आया, अवश्य कोई चोर चुरा कर ले गया होगा। और गोस्वामी तुलसीदास जी ने फिर से संस्कृत में राम जी की महिमा को लिखना प्रारंभ कर दिया। कहते अगली सुबह जब लिखना प्रारंभ करते, संध्या होती तो फिर से वो रचनाएं गायब हो जाती। एक दिन, 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 8 दिन ऐसे चलता रहा। गोस्वामी तुलसीदास जी समझ गए कि अवश्य मुझसे कोई त्रुटि हो रही है, मुझसे कोई भूल हो रही है, जिसके कारण प्रभु को मेरी रचनाएं स्वीकार्य नहीं है। और उसी समय भगवान के चरणों में प्रार्थना करते हुए कहने लगे, प्रभु आप मुझे बताएं, मेरा मार्ग प्रशस्त करें, मुझसे कौन सी त्रुटि हो रही है, कौन सी त्रुटि रह गई। और कहते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी रात्रि में जब सो रहे थे, तभी उन्हें एक दिव्य स्वप्न दिखा जिसमें साक्षात भगवान महादेव प्रकट होते हैं। और भगवान महादेव जिस समय प्रकट हुए, उन्होंने कहा, तुलसी तुम संस्कृत भाषा में प्रभु राम की महिमा मत लिखो, सरल भाषा में राम की महिमा लिखो जो लोगों को आसानी से समझ आ सके। जैसे ही गोस्वामी तुलसीदास जी के नेत्र खुल गए एकदम से, जिस समय नेत्र खुले तो देखा सामने साक्षात आशुतोष भगवान खड़े हैं, साथ में पार्वती जी विराट स्वरूप में। कहने लगे, प्रभु अभी तो मैं आपको दिव्य स्वप्न में देख रहा था। तो प्रभु मुस्कुरा दिए, कहने लगे, प्रभु मेरे लिए क्या आज्ञा है। तो प्रभु ने कहा, आज्ञा वही है, तुम्हें संस्कृत भाषा में रचना नहीं लिखनी है, तुम्हें सरल भाषा में, ऐसी भाषा में लिखो कि मेरे राम सबके लिए सुलभ हो जाएं, सब मेरे राम को जान लें, ऐसी भाषा में तुलसी लिखो। तुलसीदास जी ने हाथ जोड़ लिए, उन्होंने कहा, प्रभु जैसे आपकी आज्ञा। प्रभु ने कहा, ये मेरा आशीर्वाद है, यदि तुम सरल भाषा में राम की कथा को लिखोगे, वो सामवेद की तरह फलवती होगी, सामवेद की तरह, ये मेरा आशीर्वाद है। और प्रभु ने आशीर्वाद दिया। भगवान महादेव की आदेश और अपने गुरु की प्रेरणा से गोस्वामी तुलसीदास जी ने अवधी भाषा में, सरल भाषा में प्रभु की कथा को लिखना प्रारंभ कर दिया। और कहते हैं कि जिस समय गोस्वामी तुलसीदास जी ने संपूर्ण कथा को लिख लिया, तो वो काशी में पहुंच गए, भगवान विश्वनाथ के मंदिर में, और जाकर सारी रचनाएं भगवान विश्वनाथ के चरणों में रख दी और स्वयं ध्यान साधना में बैठ गए। और कहते हैं किंवदंती है कि जिस समय प्रातः काल हुआ, भगवान विश्वनाथ के मंदिरों के कपाट खुले तो लोगों ने देखा कि सामने जो रचनाएं पड़ी थी उस पर लिखा था सत्यम शिवम सुंदरम, और लोगों को ऐसी दिव्य ध्वनियां सुनाई दी सत्यम शिवम की, और लोगों को लगा ये रचना नहीं है, ये तो ब्रह्मवाणी है जिसे स्वयं भगवान महादेव आकर प्रमाण दे रहे हैं। और गोस्वामी तुलसीदास जी की जो रामचरित मानस थी वो घर घर में पहुंच गई। कहते कि जिस समय काशी के पंडितों को पता चला कि एक ही रात में गोस्वामी तुलसीदास जी की रचनाएं इतनी फैल गई हैं, इतनी महिमा बढ़ गई है, तो वहाँ के पंडितों ने कुछ चोरों को भेजा, जाओ तुलसी की जितनी रचनाएं हैं सारी चुरा कर ले आओ, अब रचनाएं ही नहीं रहेंगी तो ख्याति कैसे होगी। तो कहते हैं दो चार चोर इकट्ठे होकर गोस्वामी तुलसीदास जी की कुटीर में उन रचनाओं को चुराने के लिए चल पड़े, और जिस समय कुटिया के समीप पहुंचे उन्होंने देखा दो धनुर्धारी हाथ में धनुष बाण लेकर गोस्वामी तुलसीदास जी की कुटिया की परिक्रमा कर रहे हैं। जैसे ही परिक्रमा करते उन दो धनुर्धारियों को देखा तो चोरों को समझने में देरी नहीं लगी, उनकी वृत्तियाँ उलट गई, उनका स्वभाव बदल गया, वो समझ गए ये धनुर्धारी कोई और नहीं, वो प्रभु श्री राम और लक्ष्मण जी हैं जो स्वयं अपनी रचनाओं की रक्षा कर रहे हैं, स्वयं अपनी रचनाओं। चोरों का मन बदल गया, और कहते जिस समय गोस्वामी तुलसीदास जी को ये पता चला तो उनकी आंखों में आंसू आ गए, प्रभु मुझे आपकी सेवा करनी चाहिए, आप मेरी सेवा में खड़े हैं। तो उन्होंने क्या किया, अपने कुटीर का सारा सामान दे दिया और उन रचनाओं को अपने मित्र टोडरमल के यहाँ सुरक्षित रखा, और उसी रचनाओं की अन्य प्रतियां बनाना प्रारंभ कर दिया ताकि ये सुलभ हो सके। गोस्वामी तुलसीदास जी ने फिर सरल भाषा में प्रभु श्री राम जी की रचनाओं को लिखा और उनको गाया, और ये सच है रामचरितमानस घर घर में पहुंच गई, प्रभु श्री राम जन जन के प्रिय हो गए। कैसे प्रिय हो गए? गोस्वामी तुलसीदास जी ने भगवान महादेव के सार को समझ लिया कि महादेव क्या कहना चाहते, क्योंकि उस समय संस्कृत भाषा का ह्रास हो चुका था, इसलिए संस्कृति के पुरोधा प्रभु श्री राम जी की महिमा से लोग बेखबर होते जा रहे थे। इसीलिए भगवान महादेव ने कहा सरल भाषा में, जिससे कठिन से कठिन संवाद भी सरलता से समझ आ जाए, ऐसा कुछ लिखे, क्योंकि महर्षि कहते हैं विद्वान वो नहीं है जो कलिष्ट उच्चारण करता है, विद्वान वो है जो कलिष्ट को भी सरलता से परोस देता है और व्यक्ति को समझ आ जाता है, वो विद्वान है। और गोस्वामी तुलसीदास जी विद्वान हैं जिन्होंने सरलता में भी गहराई भर दी, ऐसी गहराई। यही तो उनकी लेखनी का कमाल है। उन्होंने अपनी लेखनी का प्रयोग समाज के उत्थान के लिए किया, उन्होंने अपनी लेखनी का प्रयोग सकारात्मकता के फैलाव के लिए किया। यही लेखनी का सदुपयोग होता है जो समाज के लिए किया जाता है। मुंशी प्रेमचंद जी कहा करते थे, उन्होंने कहा यदि लेखनी का काम, साहित्य का काम केवल मन बहलाव का सामान जुटाना है, लोरियां गाकर सुनाना है या आंसू बहाकर मन हल्का करना है, तो इसके लिए आपको विद्वानों की आवश्यकता नहीं है। वो कहते हैं कि मेरी दृष्टि में साहित्य मनोरंजन और विलासता का विषय नहीं है। मेरे लिए सच्चा और खरा साहित्य वही है जिसमें उच्च चिंतन हो, जिसमें स्वाधीनता का भाव हो, जिसमें सकारात्मकता हो, जिसमें ऊंचाइयां हो, प्रकाश हो, जो गति प्रदान करे। ऐसा साहित्य जो सुलाए नहीं बल्कि जगाए, क्योंकि अब और अधिक सोना मृत्यु के लक्षण है। ऐसा नहीं है कि ये साहित्य की जो बातें हम कर रहे हैं ये कोरी कल्पना है। एक समय था कि साहित्य ने ऐसे समय को जिया, एक समय था कि साहित्य ने ऐसी पवित्र सांसों को भरा। आज़ादी से पहले साहित्य व्यवसाय नहीं बल्कि एक मिशन हुआ करता था, एक उच्च लक्ष्य की प्राप्ति का साधन हुआ करता था। आज़ादी से पूर्व साहित्य धन कमाने का नहीं बल्कि देश कमाने का एक जरिया हुआ करता था, और साहित्यकार अपनी तप की ज्वाला से समाज का मार्ग प्रशस्त करते थे, उन्हें उच्च चिंतन देते थे। महर्षि अरविंद हैं, रविंद्रनाथ टैगोर हैं, संत मीराबाई जी हैं, कबीर हैं, नामदेव, ऐसे बहुत उच्च कोटि के भक्त और लेखक हुए हैं जिन्होंने अपनी लेखनी से समाज का कल्याण किया और उन्हें उच्च दर्शन दिया। लेकिन आज समाज की त्रासदी जानते हैं क्या है? आज समाज के कवियों की विडंबना यह है कि कवि वो नहीं लिखते जो जिससे मानव का कल्याण हो। आज साहित्यकार वो नहीं लिखते जिससे समाज का उत्थान हो, उनकी कलम वो लिखती है जिससे टीआरपी बढ़े। और इस टीआरपी के चक्कर में हमारे ग्रंथों को काल्पनिक, हमारे ग्रंथों को शैतानी कोष बतलाया जा रहा है और हमारे उच्च कोटि के ग्रंथों के महानायकों को काल्पनिक कहकर संबोधित किया जा रहा है। सज्जनों, ये बौद्धिक आतंकवाद नहीं है तो और क्या है? ये बौद्धिक आतंकवाद ही है। कलम में तो इतनी शक्ति होती है जो दिल नहीं दिमाग में भी आग लगा देती है, इतनी शक्ति होती है। लेकिन त्रासदी है कि आज उस कलम की शक्ति का प्रयोग सृजन के लिए नहीं, विध्वंस के लिए किया जा रहा है। आज उस कलम का प्रयोग उत्थान के लिए नहीं किया जा रहा है, भ्रम फैलाने के लिए किया जा रहा है, टीआरपी के लिए किया जा रहा है और हमारे ग्रंथों को अपभ्रष्ट करने के लिए किया जा रहा है। यह सबसे बड़ी विडंबना है आज के समय की। रामायण की यदि हम बात करें तो रामायण हमारी संस्कृत का आधार है। मुझे याद है दिल्ली के विश्वविद्यालय में बहुत समय पूर्व एक लेख पढ़ाया जाता था, ए.के. रामानुजन का लेख, जिसका नाम था 300 रामायण। और इस लेख में बताया गया है कि एक बार मंदोदरी और रावण तपस्या करने के लिए, पुत्र प्राप्ति के लिए वन में चले गए और उन्होंने कठोर तपस्या की और भगवान ने प्रसन्न होकर उन्हें एक फल दिया और वो फल लेकर वापस लौट आए और वो फल मंदोदरी के स्थान पर रावण ने खा लिया और रावण गर्भवान हो गया। कहते हैं कि जिस समय रावण गर्भवान हो गया, कुछ समय के पश्चात एक दिन रावण ने छींक मारी और उसमें से श्री जानकी जी पैदा हो गई। ये कहानी बहुत समय तक पढ़ाई जाने लगी। ऐसी कहानियां, ऐसी रचनाएं जब लिखी जाती हैं तो उससे सीधा सा तात्पर्य होता है समाज को बताने के लिए कि हमारे ऋषि कितने अवैज्ञानिक हैं। कोई भी व्यक्ति इस कहानी को पढ़ेगा तो वो तो यही सोचेगा ना। लेकिन जब संस्कृति के रक्षकों ने सोचा कि इस कहानी के पीछे का मर्म क्या है, कोई तो मर्म होगा, तो उन्होंने पाया कि रामानुजन ने कन्नड़ में एक लोकगीत देखा था और उस लोकगीत में कहा गया कि शक्तियों को प्राप्त कर कर जो रावण था वो गर्भवान हो गया। उन्होंने गर्भवान की जगह गर्भवान लिख दिया। और उस नाटक में कहा गया कि सीता जी जो हैं वो लंका के लिए क्षतिग्रस्त हैं और क्षति की जगह श्रुतिजन ने लिख दिया। अर्थ का अनर्थ कर दिया। मुझे नहीं पता ये अनर्थ अनजाने में हुआ है या जानबूझकर, लेकिन ऐसे बहुत सारे लेख, ऐसी बहुत सारी कहानियां हैं जो हमारी संस्कृति और संस्कारों पर कुठाराघात करती है। कोई एक अनजान व्यक्ति पढ़ेगा तो वो अवश्य कहेगा भारत कितना अवैज्ञानिक देश है, जिसे इतना भी नहीं पता कि गर्भ धारण करने के पीछे का विज्ञान क्या है। सज्जनों, हमारे ऋषि उच्च कोटि के वैज्ञानिक हुए हैं। उन्होंने शास्त्रों में जो लिखा वो मनगढ़ंत नहीं है, ये षड्यंत्र है। हमारी हिंदू संस्कृति को नष्ट भ्रष्ट करने का षड्यंत्र है, हमारी युवा पीढ़ी को हमारे प्रभु श्री राम जी से दूर करने का षड्यंत्र है और वो कामयाब होता भी दिखाई दे रहा है। ऋषियों की यह संतान आजकल इतनी सयानी हो गई, इसकी नज़र में भारत की हर चीज़ पुरानी हो गई, जिसको तावीज़ बनाकर यूरोप गले में पहन रहा। गीता और रामायण यहाँ आज कहानी हो गई। ना ईश्वर पर विश्वास किया, ना वेद शास्त्रों पर झुके, व्यर्थ नुक्ताचीनी में खत्म जवानी हो गई, व्यर्थ नुक्ताचीनी में खत्म जवानी हो गई। आज जवानियों को खत्म किया जा रहा है। लेकिन विचारणीय बात है, आज कलम को विवेक की आंख कैसे दी जाए? आज साहित्यकारों की जो दिशा भ्रमित हो गई है, उन्हें दिशा पर कैसे लाया जाए? आज साहित्य को सही अनुरूप में कैसे घड़ा जाए? क्योंकि साहित्य का अर्थ होता है उत्कर्ष करने वाला, गति देने वाला, उत्थान करने वाला। कैसे इसके अनुरूप बनाएं, उसके लिए आइए पूछते हैं गुरुदेव परम श्रद्धेय सर श्री आशुतोष महाराज जी से समाधान को। एक बार महाराज श्री ने महर्षि अरविंद के विषय में बताते हुए कहा था कि महर्षि अरविंद ने एक बार कहा कि यदि आप भारत को सुंदर बनाना चाहते हो, यदि आप कलम को विवेक की आंख देना चाहते हो, तो उससे पूर्व साहित्यकारों को जागृत करना होगा। महर्षि अरविंद ने कहा समाज में जितना भी वैमनस्य फैला हुआ है ना, वो चिंतन शक्ति का ह्रास है और ज्ञान की भूमि पर अज्ञान का फैलाव है। और ये अज्ञानता, ये अंधकार ही है जो एक साहित्यकार को लोभी, लालची और स्वार्थी बना देती है और स्वार्थ के समक्ष एक देश बौना हो जाता है। महर्षि कहा करते हैं, साहित्य की मृत्यु आत्मा की सुषुप्ति के कारण है। यदि आत्म जागृति होगी साहित्यकार की तो उसकी कलम को भी विवेक की आंख मिल जाएगी। इसलिए समाज को जागृत करने की आवश्यकता है और वो विवेक की आंख केवल और केवल ब्रह्म ज्ञान के द्वारा ही संभव है। ब्रह्म ज्ञान के द्वारा ही मानव मानव बन सकता है। और जब साहित्यकार अपने भीतर उस तत्व को जानेगा तो उसकी लेखनी भी शुभ ही लिखेगी, सकारात्मक ही लिखेगी। इसीलिए जागो कलम पुरोधा जागो। आज समस्त समाज के लोगों का आह्वान कर रहे हैं कि हे कलम पुरोधा जागो, आपके हाथ में संपूर्ण भविष्य छिपा हुआ है, आपके कंधों पर बहुत बड़ा भार है। कहाँ है वो कलम जो इतिहास लिखा करती थी, जो राम, सिया और लखन का वनवास लिखा करती थी? कहाँ है वो कलम जो भारत का त्याग लिखा करती थी, शबरी और केवट का विश्वास लिखा करती थी? क्यों रसखान को भूल गए? क्यों शब्दों में मीरा नहीं? क्यों तुम्हारे गीतों में सूर तुलसी कबीरा नहीं? क्यों दिनकर निराला जैसी रचना गढ़ सकते नहीं? क्यों तुम अपनी रचनाओं में संस्कार जड़ सकते नहीं? अपनी कलम को साधो कवि, कुछ नई सृजनाएं लिखो, पीढ़ियों को जो दे दुआएं ऐसी प्रार्थनाएं लिखो, ऐसी प्रार्थनाएं लिखो। आपके कंधों पर बहुत बड़ा उत्तरदायित्व है जिसे आपको निभाना है। और ये ब्रह्म ज्ञानियों का काफिला समस्त साहित्यकारों को, कवियों को, समस्त मानव समाज को जगाता हुआ क्या कह रहा है, आइए हम भी भजन के माध्यम से सुनते हैं। आइए। कलम पुरोधा जागो, सबको साथ जगाओ। देश जगाने का ये समय है, क्रांति गीत तुम गाओ। कलम पुरोधा जागो, सबको साथ जगाओ। देश जगाने का ये समय है, क्रांति गीत तुम गाओ। कलम पुरोधा जागो, सबको साथ जगाओ। देश जगाने का ये समय है, क्रांति गीत तुम गाओ। युग के कलम पुरोधा जागो। विचारों से पुण्य कमा तुम पाओ। युग के कलम पुरोधा जागो, सबको साथ जगाओ। देश जगाने का ये समय है, क्रांति गीत प्राणी जन जन का मलिन चरित्र न हो पढ़ कर जिसे प्रेरणा ऐसी लिख दो। नोबल गीत कहानी से अब जहर नहीं भर पाए। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। सुजलाम सुफलाम मलयजश तलाम शस्य श्यामलां मातरम। सुजलाम सुफलाम मलयजश तलाम शस्य श्यामलां। प्रभु श्री राम जी की कथा हमें संस्कृति और संस्कारों से जोड़ने वाली कथा है। और हम कैसे संस्कृति और संस्कारों से जुड़ेंगे, प्रत्येक प्रश्न का समाधान हमें प्रभु श्री राम जी का चरित्र, उनकी कथा देती है। और आज गोस्वामी तुलसीदास जी इस कथा का प्रारंभ करते हैं भगवान महादेव और पार्वती जी के संवाद के तहत। कहते हैं कि एक दिन पार्वती जी भगवान महादेव के चरणों में विद्यमान हैं और दोनों हाथ जोड़कर अनुनय विनय कर कहने लगी, प्रभु मैं प्रभु श्री राम जी के विषय में जानना चाहती हूँ, वो कौन है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि प्रभु श्री राम ब्रह्म हैं, वो ईश्वर हैं, वो सर्वशक्तिमान हैं। मैं जानना चाहती हूँ कि यदि प्रभु श्री राम सर्वशक्तिमान हैं, ईश्वर हैं, तो उन्होंने मानवों जैसा व्यवहार क्यों किया। और यदि वो मानव हैं तो फिर उनकी बंदगी, उनकी भक्ति क्यों की जानी चाहिए। आप मुझे बताएं राम कौन हैं और आप मुझे बताएं राम क्या हैं। रामचरितमानस में दो प्रश्न हैं, राम कौन हैं और राम क्या हैं। राम कौन है ये तो हम जानते हैं, एक राम अवधेश कुमारा तिनकर चरित विदित संसार। प्रभु श्री राम कौन हैं ये हम जानते हैं, लेकिन राम क्या हैं ये हम नहीं जानते। पार्वती जी ने जिस समय ऐसा प्रश्न किया तो भगवान महादेव प्रसन्न हो गए, कहने लगे पार्वती आज तुम उस गूढ़ तत्व को जानना चाहती हो, प्रभु राम को तत्व से जानना चाहती, तभी ऐसी जिज्ञासा की है। मैं तुम्हें बताऊंगा कि प्रभु श्री राम चिन्मय अविनाशी हैं, वो ब्रह्म हैं, वो ईश्वर हैं, वो सच्चिदानंद हैं। जहाँ आनंद ही आनंद रहता है, जहाँ दुख कलेश कले के लिए कोई स्थान नहीं है। प्रभु श्री राम जी के विषय में कहते हुए भगवान महादेव कहते हैं कि प्रभु श्री राम वो हैं जो तीनों लोकों को संचालित करते हैं, तीनों लोकों को चलाने वाली शक्ति संपूर्ण ब्रह्मांड के नायक हैं प्रभु श्री राम जी, जिनकी भृकुटी के इशारे मात्र से ये संपूर्ण सृष्टि चलायमान प्रतीत होती है, वो प्रभु श्री राम हैं जो माया को चलाते हैं, जिन्हें माया नहीं चला सकती, जो अज्ञान से बाहर निकालते हैं, जिन्हें अज्ञान भ्रमित नहीं कर सकता है। प्रभु श्री राम तो साक्षात ज्ञान स्वरूप हैं, साक्षात ज्ञान स्वरूप। गोस्वामी तुलसीदास जी तो यहाँ तक कहते हैं कि प्रभु श्री राम ज्ञान स्वरूप हैं, वहाँ तो प्रातः काल का विज्ञान होता ही नहीं है, क्योंकि रात्रि होगी तभी तो प्रातः काल होगा। उन्होंने कहा वो नित्य नूतन है, वो ज्ञान स्वरूप है, वो प्रकाश स्वरूप हैं। वहाँ ना अज्ञान रह सकता है, ना अविद्या ठहर सकती है, ना माया ठहर सकती है। ऐसे हैं प्रभु श्री राम जी। और उस समय प्रभु श्री राम जी के विषय में और विस्तृत जानकारी देते हुए भगवान महादेव ने माँ पार्वती को एक वृत्तांत सुनाया, प्रभु श्री राम जी का, श्री जानकी जी का और हनुमान जी का। अध्यात्म रामायण में वर्णन आता है कि एक दिन प्रभु श्री राम जी अपने सिंहासन पर बैठे हुए थे श्री जानकी जी के साथ, और श्री जानकी जी को देखकर प्रभु श्री राम जी ने कहा, देखो हनुमान को देखो, कैसे सदैव करबद्ध हाथ जोड़कर बैठे रहते हैं। मैं चाहता हूँ ये मेरा अनन्य भक्त है, आज इसे आप मेरे तत्व स्वरूप का बोध करवाएं। मैं चाहता हूँ कि आप इन्हें बताएं मैं कौन हूँ, इस विषय में संपूर्ण जानकारी दें। और उसी समय माँ सीता हनुमान को पास बुलाती है, कहने लगी, पुत्र आज प्रभु तुम पर बहुत प्रसन्न हैं और तुम्हें अपने तत्व स्वरूप का बोध करवाना चाहते हैं। तो उस समय बताते हुए श्री जानकी जी कहती है, हनुमान, जिन राम को तुम देखते हो वास्तव में वो नहीं है। तुमने युद्ध देखा, तुमने इनकी लीलाएं देखी, तुमने इन्हें हंसते चलते खाते पीते दौड़ते हर तरह से देखा, लेकिन ये सब कुछ करते हुए भी कुछ नहीं करते हैं। गूढ़ तत्व समझा रही है श्री जानकी जी। उन्होंने कहा इसमें तो अज्ञानी जो लोग होते हैं, जो मूढ़मती होते हैं, वो बुद्धि से इन्हें जानने का प्रयास करते हैं, इसलिए उलझ जाते हैं। लेकिन इनमें ना बुद्धि लगाई जा सकती, ना तर्क लगाई जा सकती है। ये माया के अधीन नहीं है, बल्कि माया इनके अधीन है। ये ऐसे प्रभु श्री राम हैं। उन्होंने कहा जैसे कंठ में अगर कुछ डाला हो तो हम स्वयं नहीं देख सकते हैं, ऐसे ही भीतर ईश्वर तत्व है, लेकिन हम भीतर उतर कर उनकी ज्ञान की गहराई को नहीं जान सकते हैं। उन्होंने कहा, हनुमान, राम ना चलते हैं, ना बोलते हैं, ना ठहरते हैं, ना हंसते हैं, ना शोक करते हैं। वो तो आनंद स्वरूप है, वो आनंद में रहते हैं, वो स्थिर रहते हैं। रामो न गच्छति न तिष्ठति नानु शोचन्ते कांक्षति। अध्यात्म रामायण में वर्णन आता है राम वो हैं जो माया से परे हैं। तो हनुमान जी ने कहा हम तो उन्हें चलते फिरते हंसते खाते पीते देखते हैं। तो उन्होंने कहा माया के कारण, माया से आवृत्त होने के कारण वो ऐसे जान पड़ते हैं, वो ऐसा करते नहीं हैं। अगर वो रुदन कर रहे हैं, अगर वो कोई लीला कर रहे हैं, वो तो एक्ट कर रहे हैं मानव जाति को समझाने के लिए। जैसे एक खेल खेलने वाला एक जादूगर खेल दिखाता है भांति भांति के, ऐसे ही भगवान भी भांति भांति की लीलाएं करते हैं मानव समाज को समझाने के लिए। लेकिन माँ कहती है जो ज्ञान विहीन होते हैं वो प्रभु को नहीं समझ पाते। अवजानंतिं मांग मूढ़ा मानुषिं तनुमाश्रितम। भगवान श्री कृष्ण ने भी यही बात कही। उन्होंने कहा, हे अर्जुन, जो बुद्धि से, तर्क से, मन से, वाणी से ईश्वर को समझने का प्रयास करते हैं, उनके हाथ वो युक्ति नहीं लग पाती, वो ईश्वर को नहीं जान पाते। क्यों? क्योंकि राम अतर्क्य बुद्धि मन वाणी। प्रभु श्री राम बुद्धि मन वाणी का विषय नहीं है, वो अध्यात्म ज्ञान का विषय है, वो अध्यात्म का विषय है। लेकिन बहुत सारे लोग इस आज के वैज्ञानिक युग में अध्यात्म को जरा ऑकवर्ड मानते हैं, आउटडेटेड मानते हैं। उनको लगता है विज्ञान के इस युग में अध्यात्म का क्या काम, विज्ञान और अध्यात्म दोनों अलग अलग हैं। मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि आपकी भी यही धारणा है कि अध्यात्म और विज्ञान दोनों अलग अलग है? चलिए समझते हैं एक उदाहरण से। कहते कि अमेरिका के राइस विश्वविद्यालय में एक निरीक्षण परीक्षण किया गया और 275 वैज्ञानिकों पर जब वो सर्वेक्षण किया गया तो उनसे यही प्रश्न पूछा गया। तो आप जानकर हैरान होंगे कि हर 5 हर वैज्ञानिक जो हैं उनमें से दो वैज्ञानिक, 5 में से 2 वैज्ञानिक अपने आप को अध्यात्म ज्ञानी मानते हैं। और इस सर्वेक्षण को करने वाले समाजशास्त्री इकलैंड का कहना है कि जितने भी साइंटिस्ट हुए हैं और जितने वैज्ञानिक हैं वो उस परम तत्व की, उस एनर्जी की खोज में हैं जो उन्हें केवल और केवल अध्यात्म से प्राप्त होगा। वो युक्ति अवश्य ही विज्ञान सम्मत होगी, ये हमारे वैज्ञानिकों का कहना है। क्वांटम थियोरी का सिद्धांत हमारे समक्ष रखने वाले मैक्स प्लांक, जानते हैं अध्यात्म के विषय में उनकी क्या राय थी? कहते उन्हें नोबेल पुरस्कार से भी पुरस्कृत किया गया था। एक बार जॉन विलियम बहुत बड़े पत्रकार हुए हैं, उन्होंने मैक्स प्लांक का इंटरव्यू लेते हुए कहा कि आपको लगता है ये जो संसार है वो बिना किसी योजना का एक हिस्सा है? ये चेतना, ये संसार, ये सब कुछ क्या अपने आप ही अस्तित्व में आ गए अव्यवस्थित कारणों के चलते? तो मैक्स प्लांक ने कहा था नहीं, ये अव्यवस्थित कारणों के नहीं, ये व्यवस्थित योजना का एक हिस्सा है। ये एक शक्ति के द्वारा निर्मित है और उस शक्ति, उस एनर्जी को आप बुद्धि से नहीं जान सकते। उन्होंने कहा वो बियॉन्ड इंटेलेक्ट है, वो बुद्धि से परे का विषय है और बुद्धि से कैसे जान पाएंगे? तो जॉन विलियम ने प्रश्न करते हुए अगला एक और बात कही कि आपको लगता है कि जो चेतना है वो पदार्थ का फल है? तो मैक्स प्लांक ने कहा था चेतना पदार्थ का फल नहीं है, पदार्थ का अस्तित्व चेतना से है, उस एनर्जी से है। और उन्होंने एक घोषणा की थी, उन्होंने कहा अगर आप अध्यात्म को और विज्ञान को सुचारू रूप से चलाना चाहते हैं तो जरूरत है भगवान में विश्वास करने की। अंतर इतना है कि धर्म का प्रारंभ ही ईश्वर के विश्वास से होता है और विज्ञान में विश्वास तब आता जब बुद्धि कसरत कर कर हार जाती है। यानी कि अंत में उन्होंने कहा यह बुद्धि का विषय नहीं है, ये ज्ञान का विषय है। इसीलिए तो भक्तों को कहना पड़ा हम बुद्धिहीन हैं, मूढ़ हैं, अज्ञानी हैं, हम आपके सार, आपकी गहराई को कैसे समझ सकते हैं? और भक्तों ने अपनी असमर्थता बताते हुए और उस सार की और वो युक्ति बताते हुए क्या कहते हैं, आइए हम एक भजन के माध्यम से सुनते हैं। आइए। जाने ना चाहा उतने ही हम उलझे, समझ ना आए हमको कैसे पहेली सुलझे। जितना जाने ना चाहा उतने ही हम उलझे, समझ ना आए हमको, कैसे पहेली सुलझे, कण कण में तू रहता है, कैसे पहचाने प्रभु तू अनंत प्रभु। तुझे हम जान न पाए है हम अल्पमति, तुझे पहचान न पाए, समझ न पाए, तुझको समझ न पाए, समझ न पाए, तुझको समझ न पाए। तुझको जान न पाए बिना गुरु के कोई, तेरा ज्ञान न पाए। बड़े बड़े महाज्ञानी तुझको जान न पाए बिना गुरु के कोई, तेरा ज्ञान न पाए। जान न पाए हैं हम अल्पमति, तुझे पहचान न पाए, समझ न पाए, तुझको समझ 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 न पाए। बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े योगी भगवान के रहस्य को बुद्धि के द्वारा समझ नहीं सकते। जब जब भी बुद्धि मार्ग का आश्रय लिया, बुद्धि से ईश्वर को समझने का प्रयास किया, तो मुंह की खानी पड़ी। हम जानते हैं माता सती बुद्धि से भगवान को जानने का प्रयास कर रही है, परखने का प्रयास कर रही है, लेकिन असफल हो गई। तभी तो श्री जानकी जी ने कहा, राम ना चलते हैं, ना उठते हैं, ना बोलते हैं, ना खाते हैं, ना पीते हैं, वो ऐसे प्रतीत होते हैं। और जो ऐसे प्रतीत होते हैं, माया से आवृत होने के कारण उन्हें बुद्धि के द्वारा कैसे समझ सकते हैं। तो प्रश्न यह है कि यदि वो बुद्धि मार्ग का, तर्क मार्ग का विषय ही नहीं है, तो वो किसका विषय है, उसे कैसे जाना जाए। तो हमारे शास्त्र कहते हैं वो अध्यात्म मार्ग का विषय है, उसे अध्यात्म के द्वारा जाना जाता है। और अध्यात्म को परिभाषित करते हुए भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भगवत गीता में कहते हैं, अध्यात्म ज्ञान नित्य त्वं तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम। अध्यात्म क्या है? आत्मा का अध्ययन, सेल्फ रियलाइजेशन अध्यात्म है। परमात्मा को देख लेना अध्यात्म है, ईश्वर की अनुभूति कर लेना अध्यात्म है। क्या हमने सेल्फ रियलाइजेशन हो गए हमारी? वो तो डायरेक्ट परसेप्शन है, क्लियर विजन है, फेस टू फेस इनकाउंटर विद द डिवाइन रियलिटी है वो सज्जनों। से भीतर देखा जाता है अध्यात्म के द्वारा, ब्रह्म ज्ञान के द्वारा भीतर उतर कर देखा जाता है। और जिसके पास वो अध्यात्म ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान नहीं होता, वो उम्र भर भी बुद्धि मार्ग से भगवान को पाना चाहे, उसे असफलता ही हाथ लगेगी। इसलिए समाज को ब्रह्म ज्ञान की आवश्यकता है। यदि वो ईश्वर को खोजी है, ईश्वर को पाना चाहता है, तो ब्रह्म ज्ञान चाहिए, अध्यात्म ज्ञान चाहिए। और आज यही बात भगवान महादेव पार्वती जी को बता रहे हैं, हे पार्वती, राम कौन हैं? आपने पूछा तो मैंने बता दिया। राम क्या हैं? अब ये बारी है तुम्हें बताने की, क्योंकि राम दशरथ नंदन नहीं है, राम ब्रह्म चिन्मय अविनाशी सर्व रहित सब उर पुरवासी। राम तो चिन्मय ब्रह्म हैं, वो ईश्वर हैं और कहाँ रहते हैं? उर पुरवासी। वो हृदय में रहते हैं, वो हमारे भीतर में रहते हैं, वो चिन्मय हैं, वो प्रकाश तत्व हैं, वो आत्म तत्व है, वो ज्योति स्वरूप हैं। ये पार्वती आप उसे बाहर बुद्धि से खोजना चाहती हैं, लेकिन भीतर उतरें, वो चिन्मय अविनाशी तो भीतर विद्यमान है। और जब वो प्रकट हो गया तो जीवन की सारी गुत्थियां सुलझ जाएंगी, सारे रहस्य समझ में आ जाएंगे। इसलिए वो बातों का विषय नहीं है, महादेव कहते हैं, वो जानने का, तत्व से अनुभव करने का विषय है। और जिस समय माँ पार्वती जी ने ऐसा सुना तो मन प्रसन्न हो गया, कहने लगे प्रभु आपने यह भी बता दिया राम कौन है, और आपने यह भी बता दिया कि राम क्या हैं। वो शरीर नहीं है, वो शक्ति है, वो ब्रह्म है। ये सुनकर मैं तृप्त हो गई, लेकिन अभी भी प्रभु की महिमा मैं सुनना चाहती हूँ, क्योंकि जितना सुनती हूँ उतना आनंद बढ़ता है, उतना और जिज्ञासाएं आती हैं। तो मुझे बताएं, आप कहते हैं वो चिन्मय अविनाशी हैं, वो तीनों लोकों के स्वामी हैं, वो सर्वशक्तिमान हैं। यदि वो सर्वशक्तिमान हैं, तीनों लोकों के स्वामी हैं, तो आज मेरे मन में एक जिज्ञासा है। और गोस्वामी तुलसीदास जी उस जिज्ञासा को लेखनीबद्ध करते हुए क्या कहते हैं, आइए श्रवण करते हैं। नाथ धरेऊ नर तनु के ही है तू, मोहि समुझाई कहु वृष के तू। उमा बचन सुनी परम विनीता, राम कथा पर प्रीति पुनीता। बाबा कहते हैं आज पार्वती जी ने ऐसा रहस्यमय जिज्ञासा, ऐसा रहस्यमय प्रश्न पूछ लिया, प्रभु नाथ धर्यो नरतन के हेतु। आप कहते हैं वो ब्रह्म, वो ईश्वर, वो शक्ति इस धरती पर आती है। मैं जानना चाहती हूँ कि उस सर्वशक्तिमान को इस धरती पर क्यों आना पड़ता है। वो तो संकल्प मात्र से सब कुछ कर सकते हैं, फिर वो मानव रूप धारण कर क्यों आते हैं। तो जिस समय भगवान महादेव जी ने सुना, मुख पर मुस्कान आ गई। कहने लगे पार्वती, ये जो प्रश्न आप मुझसे पूछ रही हैं, ये आपका नहीं, तीनों लोकों का कल्याण करने वाले प्रश्न हैं, ये तीनों लोकों का मार्ग प्रशस्त करने वाले प्रश्न हैं। ये प्रश्न नहीं हैं, इन प्रश्नों में आप समाधान सहेज कर बैठी हैं। और आज मैं आपके एक एक प्रश्न का उत्तर दूंगा। और आप पूछती है ना, नाथ धर्यो नर्तन के ही हेतु, कि प्रभु श्री राम जी ने इस धरती पर अवतार धारण क्यों किया। उस समय भगवान महादेव ने उद्घोष करते हुए पार्वती जी को बताते हुए क्या कहते हैं, आइए श्रवण करते हैं। राम जन्म के हेतु अनेका परम विचित्र एक तेका। राम सिया राम सिया राम, जय जय राम जय राम। भगवान महादेव कहते हैं राम जन्म के हेतु अनेका परम विचित्र एकते का। बाबा कहते हैं प्रभु श्री राम जी के अवतार के बहुत सारे हेतु हैं, बहुत सारे कारण हैं, और वो सारे के सारे कारण एक से बढ़कर एक हैं, एक से बढ़कर एक। और गोस्वामी तुलसीदास जी जिस समय भगवान महादेव की संरचना को बताते हैं तो माँ पार्वती ने कहा, आपने एक शब्द में तो बता दिया कि प्रभु श्री राम जी के जन्म के अनेक कारण हैं, इससे मुझे संतुष्टि नहीं हुई है। मैं वो एक एक कारण जानना चाहती हूँ, आपके श्रीमुख से सुनना चाहती हूँ। तो उस समय भगवान महादेव एक एक कारण बताते हैं माँ पार्वती के समक्ष कि प्रभु क्यों धरती पर अवतार लेते हैं। और सबसे पहला कारण बताते हैं हम मत्स्य पुराण में एक बहुत सुंदर कथा आती है। मत्स्य पुराण में वर्णन आता है कि एक बार देवताओं और राक्षसों के बीच में घमासान युद्ध प्रारंभ हो गया। जैसे ही देवताओं और दानवों के बीच में घमासान युद्ध प्रारंभ हुआ, देवता राक्षसों का अंत करना प्रारंभ कर देते हैं। जैसे ही अपने अस्त्र शस्त्रों के साथ देवता आतुर हो उठे और राक्षसों का अंत करने के लिए एक एक कर राक्षस प्राण विहीन होते चले जा रहे हैं, जिससे सभी राक्षस विह्वल हो गए। अगर ऐसे ही समस्त देवगण हमारा अंत करते रहे तो यहाँ राक्षस जाति का समापन हो जाएगा। और मन में विह्वलता लेकर पहुंच गए गुरु शुक्राचार्य जी के पास। और जैसे ही शुक्राचार्य जी के पास पहुंचे, जाकर प्रार्थना की, हमारी रक्षा कीजिए, अन्यथा जितने भी देवगण हैं वो हमारा समूल नाश कर देंगे। जैसे ही शुक्राचार्य जी ने ऐसा सुना, उन्होंने कहा, चिंता मत करो, भयभीत मत हो, मैं भगवान महादेव की आराधना के लिए जाऊंगा और उनसे संजीवनी मंत्र लेकर आऊंगा और जिससे आपको पुनः जीवित कर दूंगा, लेकिन तब तक आप देवताओं के साथ युद्ध मत कीजिएगा, क्योंकि यदि आप युद्ध करेंगे तो वो आपको परास्त कर देंगे, आपका अंत कर देंगे। एक उपाय है, आप मेरे पिता भृगु के आश्रम में चले जाएं। जिस समय आप पिता भृगु के आश्रम में जाएंगे, वहां आप सुरक्षित हैं, वहां कोई देवगण आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। और इतना कहकर शुक्राचार्य जी चल पड़ते हैं तपस्या के लिए, आराधना करने के लिए। और इधर कथा बताती है कि देवता और दानवों का मार्ग में ही युद्ध प्रारंभ हो जाता है। और जिस समय युद्ध प्रारंभ होता है, देवताओं के पास ये उचित अवसर है राक्षसों का अंत करने के लिए। और वो जैसे ही राक्षसों का अंत करने के लिए बढ़े और देवगणों को देखकर राक्षस भयभीत हो गए और अपने प्राणों की रक्षा के लिए भागे जाते हैं ऋषि भृगु के आश्रम में। और जिस समय भृगु के आश्रम में गए, कथा कहती है कि वहां पर ऋषि भृगु थे ही नहीं, ऋषि भृगु की पत्नी विद्यमान थी, जो अत्यंत तपस्विनी थी, जो अत्यंत शक्तिशालिनी थी। जिस समय राक्षसों ने देखा, गुहार लगाई, हे माते, अब आपसे ही हमारी गुहार है, आप ही हमारी रक्षा करें, हमारी रक्षा करें। कहते हैं कि जिस समय ऋषि पत्नी ने सुना, कहने लगे, वत्स, चिंता मत करो, मेरे होते कोई भी आपके प्राणों का हरण नहीं कर सकता, आप ऋषि भृगु के आश्रम में सुरक्षित हैं, आप चिंता मत करें। अभी ऐसी चर्चा चल रही है और उधर देवताओं ने आक्रमण किया और राक्षस भी दृढ़ हो गए, उद्विग्न हो उठे, क्रोधित हो उठे कि अब तो ये देवगण हमारा अंत नहीं कर सकते हैं। और उन्हें देवराज इंद्र को परास्त कर दिया, देवताओं को परास्त करना प्रारंभ कर दिया। और जिस समय देवराज इंद्र ने देखा, अरे ये क्या, हम राक्षसों का अंत कर रहे हैं, लेकिन ये ऋषि पत्नी अपने योग बल से, अपने तपोबल से उन राक्षसों को सुरक्षित कर रही है। और उसी समय मन में निराशा और खिन्नता को लेकर चल पड़े क्षीर सागर की ओर। सभी देवगण मन में सोचने लगे, यदि ऐसा ही रहा तो हम तो राक्षसों का अंत नहीं कर पाएंगे और इस युद्ध में विजयश्री नहीं मिलेगी। इस युद्ध में विजयश्री पाने के लिए श्री हरि के सहयोग की आवश्यकता है। और उसी समय सभी देवगण चल पड़ते हैं ब्रह्मा जी को साथ लेकर श्री हरि जी की शरण में, और जाकर भगवान श्री हरि से, भगवान विष्णु से आराधना करते हुए, प्रार्थना करते हुए कहते हैं, हे प्रभु हमारी रक्षा करें, रक्षति रक्षति त्राहि माम प्रभु त्राहि माम। समस्त राक्षस जाति उद्दंड हो चुकी है और हमारी ही ऋषियों की संतानें जो हैं और जो आश्रम है वो उन्हें सुरक्षित रख रहे हैं, आप ही हमारी रक्षा कर सकते हैं। हे प्रभु यदि ऐसे चलता रहा तो सृष्टि में असंतुलन आ जाएगा और सृष्टि नष्ट भ्रष्ट हो जाएगी, हमारी रक्षा करें, हे प्रभु हमारी रक्षा करें। और सभी देवगण आर्त स्वर में त्राही माम करते हुए, क्रंदन करते हुए भगवान विष्णु के चरणों में आराधना करते हैं, प्रार्थना करते हैं और किस प्रकार से गुहार लगाते हैं। त्राही माम त्राहि मां त्राहि मां रक्षति रक्षति त्राहि मां त्राहि मां त्राहि मां त्राहि मां त्राहि मां त्राहि मां। रक्षति त्राहि मां रक्षति रक्षति त्राहि मां रक्षति रक्षति त्राहि मां रक्षति रक्षति त्राहि मां त्राहि माम का घोष करने लगे, प्रभु हमारी रक्षा करे, प्रभु हमारी रक्षा करे। जिस समय भगवान विष्णु ने अपने नेत्रों को खोला और अपने समक्ष समस्त देवताओं को गुहार लगाते हुए देखा, उसी समय कहा आप भयभीत मत हो। और उसी समय भगवान विष्णु आदेश देते हैं अपने सुदर्शन चक्र को, जाओ हे सुदर्शन, जाकर उन राक्षसों का अंत कर दो। जिस समय भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र को आदेश दिया, दिव्य सुदर्शन चक्र चल पड़ा राक्षसों का अंत करने के लिए। जैसे ही भृगु के आश्रम की ओर बढ़ रहा है, और उस समय उधर जिस समय राक्षसों ने देखा अरे ये क्या, भगवान विष्णु का सुदर्शन चक्र हमारा अंत करने के लिए बढ़ रहा है, वो भयभीत हो गए। हे माँ, भगवान विष्णु का सुदर्शन चक्र हमारा अंत कर देगा और गुरु शुक्राचार्य के आने से पहले ही हमारा अंत हो जाएगा, हमारी रक्षा करें, आप हमारी रक्षा करें। जिस समय ऋषि पत्नी ने देखा, कहने लगे, पुत्र धैर्य धारण करो, ये सुदर्शन चक्र तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और उसी समय कुटीर से बाहर आई और भृगु पत्नी ने सुदर्शन चक्र को आदेश देते हुए कहा, हे सुदर्शन चक्र, आज मैं भृगु पत्नी तुम्हें आदेश देती हूँ, यहीं रुक जाओ। यदि मैंने अपने पत्नी धर्म का पालन किया है, गुरु पत्नी धर्म का पालन किया है, और यदि भगवान विष्णु के चरणों में मेरा अटूट प्रेम और विश्वास है, तो हे सुदर्शन चक्र, यहीं पर रुक जाओ। और जैसे ही भृगु की पत्नी ने ऐसा आदेश दिया, सुदर्शन चक्र वहीं पर रुक गया। और कहते हैं कि जिस समय सुदर्शन चक्र रुका, समस्त देवगण भयभीत हो गए और उसी समय भगवान विष्णु वहां पर प्रकट हो गए। जैसे ही भगवान विष्णु विशाल आकार में प्रकट हुए, कहने लगे, हे देवी, इस सुदर्शन को आज मार्ग दो, क्योंकि ये सुदर्शन आताताइयों का अंत करने के लिए बड़ा है। इस सुदर्शन को रोकने के लिए आपने अपने जीवन के समस्त तप और पुंज को व्यर्थ कर दिया। जिस तप और पुंज को एकत्र करने के लिए आपने कठोर तपस्याएं की, जिस तप को एकत्र करने के लिए आपने कितनी परीक्षाएं दी, उस तप को आपने राक्षसों के लिए विफल कर दिया। हे देवी, अभी भी समय है, मेरे सुदर्शन चक्र को मार्ग दो, अन्यथा ये स्वयं अपना मार्ग बना लेगा। जिस समय ऋषि पत्नी ने सुना, कहने लगी, प्रभु मुझे क्षमा करें, मैं जानती हूँ कि आपकी दया से ये सुदर्शन चक्र रुक गया है, लेकिन जब तक मैं यहाँ पर खड़ी हूँ, ये सुदर्शन चक्र राक्षसों का अंत नहीं कर सकता। जैसे भगवान विष्णु ने सुना, वो कुपित हो गए। कहने लगे, हे देवी, यदि आताताइयों का कार्य मुनि करने लग जाएंगे तो समाज का अनर्थ हो जाएगा, समाज का पतन प्रारंभ हो जाएगा। ये अंतिम चेतावनी है, यदि आप अपने मार्ग से नहीं हटी तो जो दंड एक आताताई को मिलता है, वही दंड आज मैं तुम्हें दूंगा। ऋषि पत्नी मौन है। और जिस समय प्रभु ने देखा कि भृगु पत्नी मार्ग से हट नहीं रही है, उसी समय भगवान कुपित हो गए और अपने सुदर्शन चक्र को आदेश देते हुए कहा, हे सुदर्शन चक्र, जाओ और इसके सर को धड़ से अलग कर डालो। और देखते ही देखते भगवान का सुदर्शन चक्र आगे बढ़ा और उसने भृगु की पत्नी के सर को धड़ से अलग कर दिया और भृगु की पत्नी का अंत हो गया। और उसके पश्चात उस सुदर्शन चक्र ने संपूर्ण राक्षस जाति का विनाश करना प्रारंभ कर दिया और देवगण विजित हो गए। कहते कि जिस समय भृगु बहुत समय के पश्चात आश्रम में लौटे तो उन्होंने देखा कि उनकी पत्नी का वध हो चुका है और संपूर्ण सृष्टि, संपूर्ण प्रकृति सब मौन है। और उस समय ऋषि भृगु कुपित हो उठे, कहने लगे, हे भगवान विष्णु, भले ही समस्त संसार मौन हो जाए, लेकिन आज मैं मौन होने वाला नहीं हूँ। और उसी समय ऋषि भृगु ने अपने कमंडल से जल लिया, अंजलि में भरा और कहा, आज मैं आपको श्राप देता हूँ, जिस प्रकार से मैं अपनी पत्नी के वियोग में विह्वल हो रहा हूँ, जिस प्रकार से मैं कष्ट सहन कर रहा हूँ, ऐसे ही आप भी धरती पर बार बार जन्म लेंगे और दुखों को सहन करेंगे, आप भी इस विरह वेदना को सहन करेंगे। ये मेरा श्राप है आपको, ये मेरा श्राप है। और ऋषि भृगु ने भगवान विष्णु को श्राप दे दिया। जैसे ही भगवान विष्णु ने उस श्राप को सुना, तो भगवान विष्णु ने सहर्ष ही उस श्राप को स्वीकार कर लिया। कहने लगे, ऋषि भृगु, ऐसे ही होगा, मैं बार बार जन्म लूँगा और बार बार दुखों और कष्टों की पीड़ा को सहन करूँगा। कहते यही कारण है एक कि जिसके कारण प्रभु को इस धरती पर अवतार धारण करना पड़ा और भांति भांति की लीलाएं भी की और कष्टों को भी सहन किया। लेकिन बहुत सारे जो लोग हैं, जब भगवान की इस लीला को पढ़ते हैं तो वो संशयात्मक दृष्टिकोण रखते हैं। बहुत सारे लोगों के मन में विचार आता है, भगवान विष्णु ने ऐसा क्यों किया, भगवान विष्णु को ऐसा नहीं करना चाहिए था, भगवान ने एक स्त्री का वध कर दिया और स्त्री का वध करना तो अनुचित है। बहुत सारी भ्रांतियां हैं, बहुत सारे विचार हैं। मैं एक प्रश्न करना चाहती हूँ आप सबसे, यदि कहीं ना कहीं किसी हृदय के कोने में ये संशय है, तो एक व्यक्ति को इसलिए छोड़ देना चाहिए, एक अपराधी को, एक आताताई को इसलिए छोड़ देना चाहिए, उसको कोई सजा नहीं देनी चाहिए कि वो एक स्त्री है? ऐसा तो कहीं भी प्रावधान नहीं है। हमारे संविधान में भी ऐसा नहीं है। जो दंड का भागी कौन है? जो अपराधी होगा, जो अपराध करेगा, जो कुकृत्य करेगा, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो, वो दंड का भागी है। और केडी केपम्मा का नाम तो मुझे लगता कोई भूल ही नहीं सकता है, जो भारत की पहली सीरियल किलर महिला थी। कहते हैं पूजा के बहाने वो स्त्रियों को बुलाती थी और उनकी हत्या कर देती थी, जिसके कारण हमारे संविधान ने उसे मृत्यु दंड दिया और बाद में जिसे उम्र कैद में बदल दिया गया। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं हमारे आज हमारे इस दौर में, जब अपराध हुआ तो उसे दंड दिया गया। रेणुका चिंदे है, सीमा गावित है, जो छोटे छोटे बच्चों को अगवा करके ले जाते थे और बाद में उनकी हत्या कर देते थे, और हमारे संविधान ने उन्हें फांसी की सजा सुनाई, क्योंकि हमारा संविधान कहता है जो अपराध करता है उसे तो दंड मिलता है, लेकिन जो अपराधी को सुरक्षित करता है, जो अपराधी को बचाता है, जो अपराधी को बचाने का हर भरसक प्रयास करता है, हमारे संविधान की 212 और धारा 213 के तहत बताया गया है कि उसे दंड दिया जाएगा। ये प्रावधान है हमारे संविधान में, ऐसा नहीं है, क्योंकि यदि ऐसा हो तो समाज में तो अराजकता फैल जाए, यदि ऐसा हो तो समाज में तो वैमनस्यता फैल जाए, आतंक फैल जाए। आतंक को रोकने के लिए और आतंकियों को, अपराधियों को रोकने के लिए दंड का प्रावधान बनाया जाता है। तो सोचकर देखिए, जो सृष्टि के नायक हैं, जो सृष्टि का संचालन करने वाले हैं, क्या उनके पास कोई प्रावधान नहीं है? क्या वो अपनी सृष्टि को खत्म होने दें? ऐसा नहीं होगा। भगवान का उद्घोष है, वो सृष्टि नहीं मिटने देंगे, लेकिन प्रण है वो आताताइयों को अवश्य मिटाएंगे, चाहे कोई भी क्यों ना हो। यहाँ प्रश्न स्त्री और पुरुष का है ही नहीं है, यहाँ प्रश्न है उपद्रव का, यहाँ प्रश्न है आताताई का, यहाँ प्रश्न है अपराध का। और भगवान तो अपराधी को दंड अवश्य देते हैं। दूसरी बात, यदि हम इस पूरी कहानी को आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखें तो ये कहानी बड़ी ही दिलचस्प और बड़ी ही रोचक और बड़ी ही ज्ञानवर्धक है। कैसे, आइए समझते हैं। हम देखें, देवताओं और दानवों का युद्ध होता है। क्या ये युद्ध मात्र इतिहास में देवताओं और दानवों का ही चलता है? नहीं, हमारे शास्त्र कहते हैं ऐसा ही युद्ध हमारे भीतर भी चलता है। हमारे भीतर भी दुर्गुण हैं, हमारे भीतर भी सद्गुण हैं, हमारे भीतर भी अच्छी और बुरी दोनों प्रवृत्तियां हमारे भीतर में हैं, जिनका निरंतर संघर्ष चलता रहता है, जिनका निरंतर युद्ध चलता रहता है। कभी सद्प्रवृत्तियां जीत जाती हैं तो कभी दुष्ट प्रवृत्तियां जीत जाती हैं। लेकिन ये कहानी समझाना चाहती है, जो वृत्तियां हमारी बुरी प्रवृत्तियों को पोषित करती हैं, जो वृत्तियां हमारी बुरी प्रवृत्तियों को संरक्षित रखती हैं, उन वृत्तियों का अंत कर देना चाहिए, उन वृत्तियों को खत्म कर देना चाहिए अपने भीतर से, उनका अंत करना बहुत अनिवार्य है। स्वामी योगानंद जी, उन्होंने एक बुक लिखी, गॉड टॉक्स विद अर्जुना, जिसमें उन्होंने महाभारत का बहुत सुंदर चित्रण हमारे समक्ष दिया। और उन्होंने श्रीमद् भगवत गीता के प्रथम श्लोक की ऐसी व्याख्या की, मुझे लगता है आज से पहले मैंने वो व्याख्या कभी ऐसी नहीं पढ़ी। स्वामी योगानंद परमहंस जी बड़ी मार्मिक बात कहते हुए भगवत गीता के प्रथम श्लोक का उच्चारण करते हुए कहते हैं, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवः मामकाः पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। वो कहते हैं कि धर्म क्षेत्र कुरुभूमि में दोनों सेनाएं खड़ी हैं, पांडव पक्ष की भी और कौरव पक्ष की भी। और धृतराष्ट्र संजय से पूछते हैं, हे संजय, धर्म क्षेत्र भूमि में विद्यमान पांडु के पुत्रों ने और मेरे पुत्रों ने क्या किया और उनमें से कौन जीता? स्वामी योगानंद जी इस श्लोक की व्याख्या करते हुए कहते हैं, एक व्यक्ति को सोने से पहले रोज रात्रि में अपना आत्मनिरीक्षण करना चाहिए। योगानंद परमहंस कहते हैं, प्रत्येक व्यक्ति को सोने से पहले अपने आप से एक प्रश्न करना चाहिए कि इस शरीर रूपी कुरुक्षेत्र की भूमि में अच्छी और बुरी वृत्तियां जो सदैव तत्पर रहती है, उन्होंने क्या किया? अच्छी वृत्तियां जीती कि बुरी वृत्तियां जीती? योगानंद परमहंस कहते हैं कि उच्च कोटि का साधक रोज अपना आत्मनिरीक्षण करता है, रोज अपने आप से ये प्रश्न करता है कि आज मेरी कौन सी वृत्ति कामयाब हुई, मैं जीता कि मैं हारा। योगानंद कहते हैं रोज एक साधक को अपने भीतर में ये प्रश्न करना चाहिए। परमहंस कहते हैं यूं तो कुरुक्षेत्र अपने आप में ये कुरु भूमि है जो हमारे इस शरीर का प्रतिनिधित्व करती है। उन्होंने कहा कि कौरवों और पांडवों के बीच में युद्ध कब प्रारंभ हुआ? यूं तो पांडवों ने बहुत साल राज किया, लेकिन जब दुर्योधन अपने भाइयों के साथ आता है, सत्ता पर आरूढ़ होता है, उन्हें निष्कासित कर देता है, तो क्या हुआ? पांडव राज्य समाप्त हो गया और कौरव राज्य प्रारंभ हो गया। योगानंद परमहंस कहते हैं ठीक इसी प्रकार से यूं तो हमारे इस शरीर रूपी राज्य में जो राजा है वो कौन है? वो आत्मा है, लेकिन हमारे मन और अहंकार ने दुष्ट प्रवृत्तियों का संग कर आत्मा राजा को निष्कासित कर दिया है और स्वयं मन का शासन प्रारंभ हो गया हमारे जीवन में। हमारी जिंदगी में हम मनमाना आचरण करते हैं, मनमाने दृश्य देखते हैं और दुष्वृत्तियों का संग करने के कारण हमारे जीवन का पतन हो रहा है। उन्होंने कहा जरूरत है आत्मा राजा को उस शासन में लेकर आने की, और यदि हम अपने जीवन की गुत्थी को सुलझाना चाहते हैं तो हमें हमारे भीतर में उस आत्मा के तंत्र को लागू करना पड़ेगा। और जब हम आत्मा का तंत्र लागू करेंगे, उस आत्म तत्व का दर्शन करेंगे, वो आत्मा का प्रकाश हमारे भीतर में होगा, तब हम इन विकारों से मुक्ति पा पाएंगे, इन दुष्ट प्रवृत्तियों से मुक्ति पा पाएंगे। ये युद्ध है, वो कहते हैं, निरंतर हमारे भीतर चलता रहता है। एक युद्ध अपने विरुद्ध, ये किसी के लिए युद्ध नहीं है, ये अपने साथ लड़ने का एक युद्ध है। और जो इस युद्ध में जीत गया वो कहते हैं वो पार हो गया, और जो इस युद्ध में हार गया वो अपना सर्वस्व खो गया। इसीलिए भक्तों ने कहा एक युद्ध अपने विरुद्ध, जो लड़ गया सो पार, जो लड़ गया सो पार। सतगुरु से था एक युद्ध अपने विरुद्ध, जो लड़ गया सो पार। एक युद्ध अपने विरुद्ध, जो लड़ गया। एक युद्ध अपने विरुद्ध, जो लड़ गया सो पार। एक युद्ध अपने विरुद्ध, जो लड़ गया सो पार। कमियां भर कर बस नजरअंदाज ना करना, एक एक कर मिटाते रहना, रहम ना खुद पे करना। संकल्प बंद हो खत्म है करना, संकल्प बंद खत्म है करना मन का हर विकार। का जिसने भाव जगाया, मजबूत करे हर हाल में खुद को, हालातों में ना घबराया। मन को बंदी बनाने का है, मन को बंदी बनाने का है, साधना ही आधार। एक युद्ध अपने विरुद्ध जो लड़ गया सो पार, एक युद्ध अपने विरुद्ध जो लड़ गया, एक युद्ध अपने विरुद्ध जो लड़ गया सो पार, एक युद्ध अपने विरुद्ध जो लड़ गया सो पार, एक युद्ध अपने विरुद्ध जो लड़ गया सो पार, एक युद्ध अपने विरुद्ध जो लड़ गया सो पार। एक युद्ध अपने विरुद्ध जो लड़ गया सो पार। पर विचारणीय बात है कि हम इस युद्ध को लड़ेंगे कैसे? अपने आप तो जीत नहीं सकते हैं, तो इसका समाधान भी हमें इसी कथा प्रसंग के माध्यम से मिलता है। जो देवगण है वो कैसे विजित हुए? जब उनके पास भगवान विष्णु का सानिध्य उन्हें मिला। ठीक इसी प्रकार से भगवान विष्णु क्या है? वो सत्य चित आनंद प्रकाश स्वरूप हैं, वो परम तत्व हैं। जब तक वो परम तत्व का संग नहीं मिलता, तब तक हम चाहे वो बाहरी युद्ध हो चाहे वो आंतरिक युद्ध हो, हम जीत ही नहीं सकते हैं। आपको नहीं लगता कि हमें भी भगवान विष्णु की आवश्यकता है, हमें भी भगवान के सानिध्य की आवश्यकता है? तो भगवान क्या है? भगवान शरीर है? भगवान शरीर नहीं है, भगवान तो शक्ति है, भगवान तो वो प्रकाश तत्व हैं जिसके विषय में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, ज्योतिषामपि तज्ज्योतिः तमसः परमुच्यते। उन्होंने कहा, हे पार्थ, मैं ज्योतियों की ज्योति प्रकाश तत्व हूं, वो परम तत्व हूं और जो तेरे अंतस में विद्यमान है। तो अर्जुन सोच में पड़ गया। उन्होंने कहा, मैं तो आपको मित्र समझ रहा हूं और आप कहते हैं मैं कुछ और हूं, आप तो मेरे सामने खड़े हैं, आप मेरे मित्र हैं। तो उन्होंने कहा, नहीं, मैं तुम्हारा मित्र इस जन्म में हूं, लेकिन ये मेरा वास्तविक रूप नहीं है, मेरा वास्तविक रूप कुछ और है, ये तो बदलता रहेगा। ये तो मेरा त्रेता में रूप कोई और था, सतयुग में और है, द्वापर में और है, कलयुग में कोई और होगा। ये शरीर तो बदलते रहेंगे, लेकिन मेरा वो शक्ति स्वरूप, वो तत्व स्वरूप सदैव एक रहता है। और वो क्या है? मैं ज्योतियों की ज्योति प्रकाश तत्व हूं। ये पार्थ, मैं तेरे भीतर विद्यमान हूं, तू मुझे ऐसे नहीं देख सकता। जिस समय अर्जुन को ऐसा कहा, उन्होंने कहा, नहीं देख सकता, मैं तो देख रहा हूं। तो उन्होंने कहा, ये मैं हूं ही नहीं, मैं तो अशरीरी हूं और ये आंखें सक्षम ही नहीं है मुझे देखने के लिए। कितनी बड़ी बात है कि भगवान श्री कृष्ण आज किसे कह रहे हैं कि तू इन आंखों से मुझे नहीं देख सकता? जो तीक्ष्ण दृष्टि का मालिक है, जिसकी आंख पर भरोसा किया जा सकता है, जो चिड़िया की आंख को भी भेद सकता है, जो सूक्ष्म से सूक्ष्म कण पर भी बाण चला सकता है, आज भगवान उसे कह रहे हैं कि तू इन आंखों से, इस दृष्टि से मुझे देख नहीं सकता है, मुझे जान नहीं सकता है। भगवान ने बताया, ये आंखें, ये नेत्र सक्षम नहीं है परमात्मा को देखने के लिए। ये आंखें परमात्मा को देख ही नहीं सकती। तो यदि ये आंखें परमात्मा को देख नहीं सकती, तो परमात्मा को देखने का वो आधार, वो माध्यम क्या है? तो हमारे शास्त्रों में ही इसका उत्तर निहित है। तो अर्जुन ने भी यही प्रश्न किया, तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा, न तू मां शक्य से द्रष्टुम अनेनैव स्वचक्षुषा दिव्यम ददामि ते चक्षुः पश्य मे योग मैश्वरम। हे पार्थ, तुम मुझे इन चर्म चक्षुओं के माध्यम से देख नहीं सकते हो। आज मैं तुम्हें वो दिव्य चक्षु देता हूँ, वो ज्ञान चक्षु देता हूँ, जिसके माध्यम से तुम मुझे भीतर अंदर देख सकते हो। तो क्या हुआ? अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण ने बातें नहीं सुनाई। ये नहीं कहा कि तुम्हें देखने के लिए वो दिव्य चक्षु चाहिए, तुम्हें उसकी आवश्यकता है। वो दिव्य चक्षु अर्जुन को दिया, वो प्रकट किया और अर्जुन अपने भीतर उतरा। संजय धृतराष्ट्र से कहते हैं अर्जुन के नेत्र बंद हैं और वो कह रहा है दिवी सूर्य सहस्रस्य भवेद्युग पदुत्थिताः यदि भाह सदृशी सा स्याद भासस्तस्य महात्मनः। हे प्रभु, मैं करोड़ों करोड़ सूर्यों का प्रकाश देख रहा हूँ, मैं आपके ज्योति स्वरूप का दर्शन कर रहा हूँ, मैं आपके ब्रह्म स्वरूप का दर्शन कर रहा हूँ। सज्जनों, ईश्वर बातों का विषय नहीं है, ईश्वर कहानियों का विषय नहीं है, ईश्वर तो अनुभूति का विषय है। उसे देखा जाता है, उसे अनुभव किया जाता है, उसका साक्षात्कार होता है। लेकिन कैसे होगा? जब दिव्य चक्षु मिलेगा। न तत्र चक्षुर गच्छति न वाग गच्छति न मनो न विद्मो न विजानिमो। उपनिषद कहते हैं आप कितना भी प्रयास कर कर देख ले, ये आंखें अक्षम हैं, ये सक्षम नहीं हैं। हमारी अर्जुन जैसी तीक्ष्ण नेत्र तो नहीं है ना, जो चिड़िया की आंख भी भेद जाता। अगर वो ईश्वर को नहीं देख सकता इन आंखों से, तो हम कैसे देख पाएंगे? उसे देखने के लिए हमें भी दिव्य चक्षु चाहिए। और वो दिव्य चक्षु मिलेगा कहाँ से? एक पूर्ण सदगुरु की शरण में जाकर मिलेगा। एक तत्ववेता गुरु जब हमारे जीवन में आएंगे तो वो यहाँ पर शिव नेत्र को, उस तृतीय नेत्र को प्रकट कर देंगे। और जिस समय ये तृतीय नेत्र खुलेगा, तब हम भीतर की यात्रा करेंगे, तब हम भीतर उतरेंगे, परमात्मा का साक्षात्कार करेंगे। और जब ब्रह्म हमारे अंतस में प्रकट होगा तो ये दुष्ट प्रवृत्तियाँ, ये समस्याएं, ये सब एक एक कर खत्म होती चली जाएंगी। समस्त समस्याओं का समाधान ब्रह्म ज्ञान है। समस्त औषधियाँ, जितनी भी बीमारियां ना, उसका औषधि क्या है? ब्रह्म ज्ञान उसकी औषधि है, और जो केवल और केवल गुरु की कृपा से ही प्राप्त हो सकती है। इसलिए हम ऐसे गुरु की तलाश करें जो हमें वो दिव्य चक्षु प्रदान कर सके, ताकि हम भी अपने भीतर के युद्ध को लड़कर उससे विजित हो पाए। और गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि इस प्रकार से महादेव माँ पार्वती को कथा सुनाते हुए कहते हैं कि यूँ तो राम जन्म के हेतु अनेका बहुत सारे कारण हैं, और उन कारणों में एक कारण कौन सा है? अत्याचार, राक्षसों का उपद्रव। भगवान महादेव बताते हैं कि त्रेता युग में राक्षसों का अत्याचार चरमोत्कर्ष पर पहुंच गया। और जिस समय राक्षसों का अत्याचार चरमोत्कर्ष पर पहुंच गया और सभी देवगण भगवान से प्रार्थना करते हैं, तो भगवान स्वयं उद्घोषणा करते हैं कश्यपस्य वरो दत्त तपसा तोषितेन मे याचितः पुत्र भावाये तथित अंगीकृतं मया। हे देवगण, आप भयभीत डरो नहीं, मैं रघुकुल में जन्म लूंगा और समस्त संसार की पीड़ा का हरण कर दूंगा। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि भगवान महादेव आज पार्वती जी को त्रेता युग का विवरण बताते हैं कि जिस समय राक्षसों का अत्याचार बढ़ गया तो भगवान घोषणा करते हैं कि मैं इस धरती पर अवतार धारण करूंगा और समस्त संसार को आनंद देने आऊंगा। पश्चिम के एक विद्वान ने जिस समय प्रभु श्री राम जी के इस अवतारवाद को पढ़ा तो उसने इस प्रसंग पर एक कटाक्ष किया। उस विद्वान ने कटाक्ष करते हुए कहा कि भारत के जो लोग हैं वो कभी भी सफल और पुरुषार्थी नहीं हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि उनका सारा जीवन भगवान पर ही निर्भर रहता है। थोड़ी सी समस्या आती है, भगवान को पुकारने लग जाते हैं, थोड़ी सी विपदा आती है, भगवान तुम कर दो। और उस विद्वान ने कहा, अगर ऐसी भारत भूमि के लोग जो हैं, अगर निष्क्रिय, निकम्मे, निठल्लू हो भी जाएं तो मुझे हैरानी नहीं होगी, क्योंकि वो सारा कुछ खुद करना चाहते नहीं, कुछ करना जानते भी नहीं, वो सब कुछ भगवान से कराना जानते हैं। वो कहते मैं ऐसे अवतारवाद को स्वीकार नहीं करता हूँ। क्या आपको लगता है कि भगवान का अवतारवाद का इतना उच्च कोटि का सिद्धांत मानव समाज को निष्क्रिय बनाना सिखाएगा? नहीं। हम केवल एक पंक्ति पढ़ते हैं, एक चौपाई पढ़ते हैं, एक श्लोक पढ़ते हैं और उसी के आधार पर ही व्याख्या, निरीक्षण, परीक्षण कर लेते हैं। चलिए इसकी थोड़ी सी गहराई में जाते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि जिस समय भगवान ने घोषणा की तो सभी देवगण अपने अपने रथ पर आरूढ़ होकर जाने लगे, तो उस समय ब्रह्मदेव ने कहा, नहीं, प्रभु ने अपना कार्य कर दिया है, प्रभु ने घोषणा कर दी, हमें सांत्वना दे दी है, अब हमारा कार्य शेष है, हम भी उस महान यज्ञ में अपनी अपनी आहुतियाँ डालें, हम भी पुरुषार्थ से उस यज्ञ में अपना योगदान दें, हमें अपना अपना रूप बदल कर जाना होगा, भगवान के कार्य में सहयोग करना होगा, प्रतीक्षा करनी होगी, तभी हमारा जीवन सफल हो पाएगा, ऐसे नहीं सफल हो पाएगा। सज्जनों, हमें अध्यात्म हो, धर्म हो, भक्ति हो, हमें कभी भी निष्क्रिय होना नहीं सिखाता है। जो लोग ऐसा सोचते हैं कि अध्यात्म हमें निष्क्रियता की ओर बढ़ाता है, वास्तव में वो अध्यात्म के, धर्म के, भक्ति के सच्चे अर्थों को जानते ही नहीं हैं। वो भक्ति और धर्म की छिछली व्याख्या करते हैं, और जो अध्यात्म की छिछली व्याख्या करेंगे वो गहराई तक कैसे जान पाएंगे, वो गहराई तक कैसे पहुँच पाएंगे। मेरा एक प्रश्न है, यदि अध्यात्म और धर्म सच में निष्क्रिय लोगों को बनाना होता, उसका उद्देश्य, तो मुझे लगता है शायद समर्थ गुरु रामदास जी फिर छत्रपति शिवाजी का निर्माण नहीं करते। यदि अध्यात्म का उद्देश्य केवल निठल्लू और निकम्मे बनाना होता, निष्क्रिय बनाना होता, आंखें मूंद कर समाज की कुरीतियों को देखकर बंद कर लेना होता या भाग जाना होता समाज की कुरीतियों को देखकर, तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन का निर्माण नहीं करते, कि धनुर्धारी योद्धा का निर्माण नहीं करते। यदि अध्यात्म का उद्देश्य केवल समाज की कुरीतियों से आंखें मोड़कर केवल हिमालय की चोटी पर जाकर बैठ जाना होता, तो आज समाज में दयानंद सरस्वती को कोई याद नहीं कर रहा होता, आज समाज में विवेकानंद नहीं होते, समाज में योगानंद नहीं होते, समाज में कबीर नहीं होते। ये संत सेनानी हुए हैं जिनका गठन अध्यात्म ने किया है, एक क्षत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु ने किया है, और इन अध्यात्म ज्ञानियों ने समाज की कुरीतियों के विरुद्ध विजय नाद बुलंद किया, और मात्र विजय नाद ही बुलंद नहीं किया, जड़ से उखाड़ फेंका कुरीतियों को। किसके बल पर? अध्यात्म के बल पर। गुरुदेव सर श्री आशुतोष महाराज जी कहा करते हैं, अध्यात्म बातों का विषय नहीं है, अध्यात्म चर्चा का विषय नहीं है, अध्यात्म गोष्ठियां, सभाओं का विषय नहीं है, अध्यात्म तो अनुभूति है, और जिस दिन वो अनुभूति आपके भीतर हो गई, आप जग जाओगे, और आप जग गए तो आप समाज को बदल दोगे, समाज को जगा दोगे। इसलिए समाज को अध्यात्म की आवश्यकता है। अध्यात्म हमें भीरू या कायर नहीं बनाता है, अध्यात्म तो हमें श्रेष्ठ योद्धा बनाता है, श्रेष्ठ वीर बनाता है। और ये श्री राम कथा, ये प्रभु श्री राम जी की कथा हमें अध्यात्म की ओर उन्मुख करने के लिए अग्रसर हुई है। इसमें प्रश्नों का उत्तर नहीं है, इसमें प्रश्नों का समाधान छिपा है। गुरु महाराज जी कहा करते हैं, अगर हम इस प्रभु श्री राम जी की कथा को अपने जीवन में उतार लें तो दावा है आपके जीवन की व्यथा बदल जाएगी। ये जीवन की व्यथा बदलने वाली कथा है सज्जनों। ये केवल मनोरंजन का विषय नहीं है, ये आत्मरंजन का विषय है। ये जागृति का बिगुल बजाने आपके मध्य आई है, और दिव्य ज्योति जागृति संस्थान के पुरोधा गुरुदेव परम श्रद्धेय सर श्री आशुतोष महाराज जी प्रभु श्री राम जी के बारे में बताने नहीं आए हैं, प्रभु श्री राम जी के उस परम तत्व को प्रत्येक व्यक्ति के घट में प्रकट करने के लिए आए हैं। उनके पास वो सामर्थ्य है, वो ब्रह्म ज्ञान है। आप आए, उस ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त करें, अपने भीतर उतरें। गुरुदेव सर श्री आशुतोष महाराज जी की कृपा से उस ब्रह्म ज्ञान की टेक्निक, उस युक्ति से अपने भीतर परमात्मा का दर्शन करें और अपने राम भक्ति की यात्रा को शुरुआत करें। फिर भक्ति का प्रारंभ होगा सज्जनों, उससे पहले भक्ति का प्रारंभ नहीं हो सकता है, क्योंकि भक्ति का कार्य होता है जोड़ना, भक्ति का कार्य होता है बांधना, ईश्वर से बंध जाना, कनेक्ट हो जाना उससे, और विभक्ति होता है टूट जाना। और प्रभु श्री राम जी की कथा हमें भक्ति में बांधने वाली कथा है, भक्ति से जोड़ने वाली कथा है। और किस प्रकार से प्रभु श्री राम जी आगे अपनी लीलाओं को करते हैं, और भगवान श्री राम जी ने जो उद्घोषणा की, जो घोषणा की कि मैं त्रेता में जन्म लूँगा और रघुकुल में अवतार धारण कर कैसे राक्षसों का अंत करूँगा, और अपने जीवन चरित्र से कैसे कैसे प्रभु श्री राम जी पहेलियों का समाधान करते हैं, और हमें हमारे जीवन को जीने की कला सिखाते हैं। इन सभी बातों को हम कल श्रवण करेंगे। आज के लिए इतना ही। और अंत में प्रभु के चरणों में हम जोरदार जयघोष लगाएंगे। गुरुदेव सर श्री आशुतोष महाराज जी के चरणों में नमन करते हुए बुलंद आवाज में जयघोष लगाएंगे। बोलिए सर श्री आशुतोष महाराज जी की जय, सच्चे दरबार की जय, सियाव रामचंद्र महाराज जी की जय। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय व्यास जी। अब समय है प्रभु की पावन पुनीत आरती का। हमारे मध्य में आज के विशिष्ट अतिथि और जाने माने हमारे इस राज्य के जो समाज सेवी हैं आदरणीय श्री राघव जी भाई पटेल, जो कि कृषि मंत्री हैं गुजरात सरकार के, वो उपस्थित हैं। हम उनका इस सभा में अभिनंदन करते हैं, हार्दिक अभिनंदन। और हम उनसे आग्रह भी करते हैं कि प्रभु की पावन पुनीत आरती में आप कृपया मंच के निकट आएँ। और भी अतिथिगण हैं जो यहाँ उपस्थित हैं, उनका भी अभिनंदन करते हुए उनको आमंत्रित करते हैं मंच के निकट। श्रीमती लीला बहन अनकोलिया जी, जो कि अध्यक्ष हैं वुमेन सेल की, अभिनंदन है, आप मंच के निकट आएँ आरती के लिए। श्री नारायण भाई मकवाना जी वरिष्ठ भाजपा नेता हैं। श्री राजेंद्र भाई पटेल एक्स काउंसलर हैं। श्री राकेश कुमार ब्रह्मभट्ट जी काउंसलर हैं। श्रीमती कल्पना बेन वैद्य एक्स काउंसलर हैं। और श्री विनोद जी वैद्य बीजेपी के कार्यकर्ता हैं। श्रीमती एवं श्री पवन निवेटिया जी और मीना अग्रवाल जी, चित्ररेखा गुप्ता जी, सभी का अभिनंदन है, कृपया मंच के निकट आए आप। श्री भरत कुमार जी, श्री रोशन भाई उदासी जी, श्री दिलीप कुमार वबानी जी और श्रीमती एवं श्री अनूप गुलाटी जी, श्री संदीप भाई पारिक जी और श्री हरिप्रकाश जी शर्मा, श्री महेंद्र कुमार जी चौधरी और कर्नावटी जूट कंपनी अहमदाबाद से, आपका अभिनंदन है, कृपया मंच के निकट आएँ। कार्यक्रम के मुख्य यजमान, उनका नाम ले रहे हैं, आपका सब परिवार कृपया मंच के निकट आएंगे। श्रीमती एम श्री राजकुमार अग्रवाल जी, श्री श्याम एंटरप्राइज खाड़िया अहमदाबाद से, श्रीमती पुष्पा बिंदल जी, चिड़ीपाल इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड अहमदाबाद, श्रीमती एम श्री मदन लाल गुप्ता जी, जीटीएम फैब्रिक्स मिल्स अहमदाबाद से, श्रीमती एम श्री ढालूराम मगलानी जी मणिनगर से, श्रीमती प्रतिभा सिन्हा जी गांधीनगर से हैं। आज के दैनिक यजमान श्रीमती एम श्री किशोर लालवानी जी मोटेरा से, श्रीमती एम श्री वीरेंद्र पाल जी गांधीनगर से, श्री मोतीलाल गोयल जी भुज से, श्रीमती एम श्री रवि रंजन पाल जी गांधीनगर से। आपसे आग्रह कि आप सब परिवार मंच के निकट आएँ। और मंचा से इन सभी संत समाज से मेरा आग्रह कि आज की पावन पुनीत आरती हमारे समक्ष रखें। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। हरि ओम जय जगदीश हरे, जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का, स्वामी दुख बिन से मन का, सुख संपत्ति घर आवे, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। हरि ओम जय जगदीश हरे, मात पिता तुम मेरे, शरण गहूँ मैं किसकी, स्वामी शरण गहूँ मैं किसकी, तुम बिन और न दूजा, प्रभु बिन और न दूजा, आस करूँ मैं जिसकी। हरि ओम जय जगदीश हरे, तुम पूरण परमात्मा, तुम अंतर्यामी, स्वामी तुम परमेश्वर, पार ब्रह्म परमेश्वर। परमेश्वर तुम सबके स्वामी। हरि ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता स्वामी, तुम पालन करता। मैं मूर्ख खल कामी, मैं सेवक तुम स्वामी, कृपा करो भरता। हरि ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति स्वामी, सबके प्राणपति। किस विध मिलो दया में, किस विध मिलो दया में, तुमको मैं कुमति। हरि ओम जय जगदीश हरे। दीन बंधु दुख हरता ठाकुर तुम मेरे स्वामी, रक्षक तुम मेरे। अपने हाथ उठाओ, अपनी शरण लगाओ, द्वार पड़ा मैं तेरे। हरि ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा स्वामी, कष्ट हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, श्रद्धा प्रेम बढ़ाओ, संतन की सेवा। हरि ओम जय जगदीश हरे। तन मन धन सब तेरा स्वामी, सब कुछ है तेरा स्वामी, सब कुछ है तेरा। तेरा तुझको अर्पण, प्रभु का प्रभु को अर्पण, क्या लागे मेरा। हरि ओम जय जगदीश हरे। श्याम सुंदर जी की आरती जो कोई नर गावे, हाजी प्रेम सहित गावे। कहत शिवानंद स्वामी, कहत हरि हर स्वामी, मन वांछित फल पावे। हरि ओम जय जगदीश हरे। हरि ओम जय जगदीश हरे स्वामी, जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के अवगुण, बंसी वाला दूर करे। हरि ओम जय जगदीश हरे। हरि ओम जय जगदीश हरे। हरि ओम जय जगदीश हरे। नाम तर्क बुद्धि मन वाणी, मत हमारे अस सुन ही सयानी। राम अतर्क बुद्धि मन वाणी, मत हमारे अस सुन ही सयानी। हम नादान प्रभु तू अनंत प्रभु, तुझे हम जान न पाए हैं हम अल्पमती, तुझे पहचान न पाए समझ न पाए, तुझको समझ न पाए, समझ न पाए, तुझको समझ न पाए, समझ न पाए, तुझको समझ न पाए, समझ न पाए, तुझको समझ न पाए। मैंने ना चाहा उतने ही हम उलझे, समझ ना आए हमको कैसे पहेली सुलझे। जितना जानना चाहा उतने ही हम उलझे, समझ ना आए हमको कैसे पहेली सुलझे। कण कण में तू रहता है, कैसे पहचाने प्रभु तू अनंत प्रभु। तुझे हम जान न पाए हैं हम अल्पमति, तुझे पहचान न पाए, समझ न पाए, तुझको समझ न पाए, समझ न पाए, तुझको समझ न पाए। महाज्ञानी तुझको जान न पाए, बिना गुरु के कोई तेरा ज्ञान न पाए। बड़े बड़े महाज्ञानी तुझको जान न पाए, बिना गुरु के ना पाए। वाणी और मति से मैं कैसे गुणगान करूं, तू अनंत प्रभु। तुझे हम जान न पाए हैं हम अल्पमति, तुझे पहचान न पाए, समझ न पाए, तुझको समझ न पाए, समझ न पाए।